The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. देखें हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से इस मैदान में नंगे पांव खेलना। हम ना सबसे बड़े मुल्क हैं। वैसे पूरे इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम कभी जीतेंगे, पर आपको लगता है। मैं सबसे अमीर। कब? मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे रहीम को पड़े जिस्म के खास हिस्से पे लात, क्योंकि सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है। इसलिए अगले 10 साल तक इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी चाहिए। Trust me. This is just the beginning of the golden era of Indian football. सौत है हमारी आपकी ये फुटबॉल, बन गई आपकी टीम। ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूं जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं, लेकिन हमें गोलकीपर थोड़ा लंबा चाहिए। दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं। और हर के वापस आ गए तो? He's Mr. Rahim, Indian football team coach. तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और रहीम? मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी। अजय देवगन की इस साल की दूसरी फिल्म मैदान आ चुकी है, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के गोल्डन एरा और गोल्डन कोच जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है, यानी कि कोच साहिद अब्दुल रहीम, उनके स्ट्रगल की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसके पेड प्रीव्यूज 10th ऑफ अप्रैल की शाम 6 बजे से रिलीज हुए थे और फिल्म की फुल स्केल रिलीज कल यानी ईद के नेशनल हॉलीडे 11th ऑफ अप्रैल पर हुई। और इन दोनों की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अभी तक का मैदान का टोटल कलेक्शन हुआ है 7.10 करोड़, जिसमें से डे जीरो वेंसडे पर 2.6 करोड़ और थर्सडे डे वन पर 4.50 करोड़। और इन आंकड़ों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कि मैदान अपने फर्स्ट डे पर 10 से 12 करोड़ का कलेक्शन करेगी, लेकिन ये बात गलत साबित हुई, जिसकी वजह से कल ईद पर आज अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी मियां छोटे मियां भी है, जो एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और जिसने अपने फर्स्ट डे पर 15.50 करोड़ की कमाई कर ली, जो मैदान के 4.50 करोड़ की कंपैरिजन में काफी अच्छी ओपनिंग है। मैदान की ओवरऑल 19.12% हिंदी ऑक्यूपेंसी रही थी और ये फिल्म 2D और 2D IMAX फॉर्मेट्स में रिलीज की गई थी, जिसमें से 2D हिंदी ऑक्यूपेंसी में मॉर्निंग शोज में 9.91%, आफ्टरनून शोज में 16.69%, इवनिंग शोज में 16.84% और नाइट शोज में 14.78% रही। तो वहीं 2D IMAX हिंदी में मॉर्निंग शोज में 16.15%, आफ्टरनून शोज में 22.09%, इवनिंग शोज में 0 और नाइट शोज में भी 0 रही। इसलिए अगर हम बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान की बात करें तो इसमें तो बड़े मियां छोटे मियां नहीं मैदान पर नजर आ रहा है।
लेकिन ये दोनों फिल्में भले ही एक वक्त पर आई थी, लेकिन ये दोनों में से एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। दोनों के जॉनर्स भी अलग हैं, तो दोनों की ऑडियंस भी, और कल ईद के फेस्टिवल होने के बावजूद भी दोनों ही फिल्मों ने अपने प्रिडिक्शन से कम कमाई की है। और मैदान जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ग्रोथ करने में टाइम लगता है। अब आगे ये देखना होगा कि ये फिल्म आज कैसी कमाई करती है। तो आज आप कौन सी फिल्म देखने जाने वाले हैं, और अगर आपने मैदान देख ली है तो वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अमित शर्मा मैदान को जो बनाना चाहते थे शायद वो ये फिल्म नहीं है, मगर मैदान वो फिल्म भी नहीं है जिसे बिना देखे नकार दिया जाना चाहिए। जीवन में कुछ चीजों में आपको अपना बेस्ट देकर छोड़ देना चाहिए, उसे किसी नतीजे से नहीं जोड़ना चाहिए। 2019 में एक फिल्म बननी शुरू हुई। ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक थी जो देश में सबसे कम देखने वाले खेल यानी कि फुटबॉल के बारे में बात करती है। कहानी उस आदमी की जिसने इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम को कोचिंग दी। उसकी ट्रेनिंग में टीम ने दुनिया भर में डंका बजाया, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। इसलिए 1950 से 1960 वाले दौर को भारतीय फुटबॉल इतिहास का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। उस करिश्माई शख्सियत का नाम था साहिद अब्दुल रहीम, और उनके ऊपर बनी फिल्म है नाम मैदान, जो 5 सालों तक मेकिंग में रहने के बाद फाइनली सिनेमाघरों में उतरी है। अपने बेसिक्स क्लियर हो गए, अब अपन पिक्चर पर बात करते हैं। मैदान देखने के दौरान मुझे दो चीजों ने सबसे पहले स्ट्राइक किया, ये फिल्म किस बारे में है और ये फिल्म किसके बारे में है। एक ऐसा खेल और एक ऐसा समुदाय जो भारत में हाशिए पर है, आप उन दोनों को उठाते हैं और एक पिक्चर बना देते हैं। यहाँ ये तर्क कमजोर पड़ जाता है कि आपने क्या और कैसे बनाया। हालांकि मैदान में कहीं भी उस समुदाय विशेष की सामाजिक स्थिति पर बात नहीं की गई है, जो चीज आगे चलकर खलती भी है, मगर तब तक आप इस सोशल पॉलिटिक्स से आगे निकलकर साहिद अब्दुल रहीम के साथ हो रही पर्सनल पॉलिटिक्स पर पहुंच चुके होते हैं। इसमें कहीं भी उनका धर्म आड़े नहीं आता, मगर हमारे साथ मसला ये है कि अगर धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे तो जाति के नाम पर लड़ेंगे। जाति की लड़ाई खत्म होगी तो क्षेत्रवाद शुरू हो जाएगा। मैदान की लड़ाई इसी क्षेत्रवाद से है। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि फुटबॉल तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा खेला जाता है और देखा जाता है, वहीं से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, इसलिए उन्हें ही नेशनल टीम में जगह मिलनी चाहिए। मगर रहीम की सोच इससे अलग थी। वो देश के कोने कोने से अच्छे खिलाड़ियों को जमा करके एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम बनाना चाहते थे, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत को मेडल्स दिलाए। ये बात फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI के सदस्य शुभांकर को चुभ जाती है। अब यहाँ से शुभांकर रहीम को दरकिनार करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसमें उनकी मदद करते हैं रॉय चौधरी, ये देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनकी रहीम से दुश्मनी इसलिए है क्योंकि एक मौके पर रहीम इनकी अना को भी ठेस पहुंचा चुके हैं। अब यहाँ से दो चीजें हैं जो आपको फिल्म में देखने को मिलती हैं। रहीम कैसे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से हटाए जाते हैं और कैसे वापस आकर भारत को टॉप पर पहुंचाते हैं। ये सब एकदम सिनेमैटिक और क्लीशे से भरपूर तरीके से होता है। मैदान सिनेमा के तौर पर आपको एक्सपीरियंस के अलावा कुछ भी नया नहीं देती, प्रॉपर टेम्पलेट सिनेमा। मगर मैं डायरेक्टर अमित शर्मा को इसका फुल क्रेडिट दूंगी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इस फिल्म का मास्टरपीस जो बनाया है उसमें कोई कसर नहीं बच रही है। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में जो अपना सब कुछ झोंक दिया है, एक तरह से देखे तो ये उनकी बाहुबली है और हमें ये चीज एक्नॉलेज जरूर करनी चाहिए। 2018 में अमित शर्मा की बधाई हो रिलीज हुई। कोई भी और फिल्म मेकर उस सफलता को भुनाने की हर संभव कोशिश करता है, वो कमर्शियल गुण वाले प्रोजेक्ट चुनता, मगर अमित ने चुनी एक स्पोर्ट्स बायोपिक। ये एक ऐसा जॉनर है जिसकी गिनी चुनी फिल्में ही हमारे यहाँ सफल होती हैं। मुझे चक दे इंडिया और MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के अलावा कोई नाम ध्यान नहीं आता, मगर उन्होंने फिर भी वो कहानी कहने के लिए चुनी तो उन्होंने कंप्लेनिंग लगी और उसे बनाने में अपने करियर के पीक पर 5 साल लगा दिए। 2019 से 2024 के बीच मैदान के अलावा उन्होंने सिर्फ ला स्टोरी स्टोन नाम की एंथोलॉजी फिल्म का एक सेगमेंट डायरेक्ट किया है। मैदान की कहानी सबको पता थी क्योंकि ये असल आदमी के जीवन पर आधारित फिल्म है। सारा खेल ये था कि उस कहानी को भरता कैसे जाता। इस फिल्म की राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को मिलाकर 8 लोगों की टीम ने काम किया है, मगर ये इतनी मॉडेस्ट फिल्म है कि आपको कहीं भी इसका भान नहीं होता क्योंकि लेखक ने जिस ताजगी से महसूस करवाया है, आप जब तक दर्शक को
चौंकाएंगे नहीं, आप उनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। मैदान ये नहीं कर पाती। फिल्म के विजुअल्स राइटिंग्स की गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। फिल्म का VFX टॉप नोच है। आपको फिल्म में दिखाए गए फुटबॉल मैचेस देखकर यकीन ही नहीं होगा कि इनको बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद ली गई है। वो इतने रियल लगते हैं, खासकर फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों के पांव के पास जो गुजरने वाले पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, उस तरह के शॉट्स हैं मैंने आज से पहले किसी फिल्म में नहीं देखे। इसमें ऐसा देख के लग रहा है जैसे बहुत सारा सिनेमा है इस फिल्म में। बहरहाल मैदान की एक बड़ी खामियों में ये चीज भी शामिल रहेगी कि फिल्म की लंबाई 3 घंटे है। फर्स्ट हाफ सेटअप में निकलता है जिसकी छटाई बड़े आराम से हो सकती थी, मगर सेकेंड हाफ तेज रफ्तार में घटता है क्योंकि अधिकतर मैच वाले सीन्स इसी हिस्से में आए हैं। AR रहमान बहुत बड़े संगीतकार है ना, नहीं चाहिए, मगर इस फिल्म के लिए उनका बनाया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि ठीक क्लाइमेक्स में वो इस चीज की भरपाई कर देते हैं। मैदान का आखिरी का आधा घंटा पिछले 2.5 घंटे पर भारी पड़ता है। मैदान में अजय देवगन ने साहिद अब्दुल रहीम का रोल किया है। अजय इस फिल्म की आत्मा है, वो पूरी फिल्म में संयमित नजर आते हैं, मगर वो टिपिकल हीरो कैरेक्टर है क्योंकि फिल्म को अजय के अलावा कोई और दिखा ही नहीं देता। यहीं पर मैं चकदे के साथ इस फिल्म को तुलना करना चाहूंगी। शमित अमीन ने जो चीजें अपने हीरो और टीम के साथ की वो शायद अमित शर्मा नहीं कर पाए। चकदे में आपको कबीर खान के साथ उसकी टीम के खिलाड़ियों के बारे में बताया जाता है। उनके आपसी समीकरण फिल्म का बड़ा चंक तैयार करते हैं। कबीर का धर्म फिल्म की धुरी थी, मगर मैदान से वो चीजें भारत है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको उसकी कमी खलती है। गजराज राव ने राव चौधरी नाम के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल किया है। इस किरदार की लिखावट बहुत ओवर द टॉप है। वो एक समय पर फिल्म का मेन विलन होता है, मगर फिर भी लास्ट में हृदय परिवर्तन वाला घिसा हुआ मटेरियल है। वो तो गजराज राव जैसे एक्टर था जो इस किरदार को बचा ले गया। इसलिए एक एक्टर के तौर पर जनता में आपका गुडविल होना बहुत जरूरी है, मगर उनका जो पूरे टाइम आपकी आंख में चुभता रहता है। रुद्रलीन घोष ने FFI के सदस्य और भावी चेयरमैन शुभांकर का रोल किया है। उन्हें उम्मीदों से ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला और उनका काम भी ठीक ठाक था। अमित शर्मा मैदान को जो बनाना चाहते थे शायद वो ये फिल्म नहीं है, मगर मैदान वो भी फिल्म नहीं है जिसे बिना देखकर नजरअंदाज किया जाए। इसीलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर मैदान देखनी चाहिए और खुद के लिए फैसला लेना चाहिए। तो जाइए सिनेमाघरों में मैदान फिल्म देखिए और फिर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। Till then keep watching Bollygrad Studios। अजय देवगन ने साल 2024 की शुरुआत शैतान के साथ की, जिसने अपनी रिलीज के पहले महीने में ही 144 करोड़ का इम्प्रेसिव कलेक्शन कर लिया है। और अब अजय अपनी इस साल की दूसरी फिल्म मैदान के साथ उतर चुके हैं मैदान में, जो एक लॉन्ग अवेटेड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। और कल यानी 10 अप्रैल की शाम से हुई फिल्म की शुरुआत की बात करें तो अपने ओपनिंग डे पर फिल्म इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2.68 करोड़ की ही कमाई कर पाई। मैदान की शुरुआत मिक्स्ड रिव्यूज के साथ हुई है। किसी का कहना है कि मैदान एक अनइवन पेस के साथ चल रही फिल्म है जिसमें बेवजह के पॉलिटिक्स दिखाए गए हैं, जबकि फिल्म का मेन पार्ट रहीम साहब की ब्रिलियंस होना चाहिए था। तो वही किसी और का कहना है कि मैदान एक टेक्निकल वेल मेड फिल्म है जिसमें फुटबॉल मैचेस को इस तरह से दिखाया गया है मानो हम खुद मैदान में पहुंच जाते हैं। तो वही ऑलमोस्ट सभी को अजय देवगन का सीरियस लुक काफी पसंद आ रहा है और सभी को गजराज राव का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी काफी पसंद आ रहा है और जिस तरह से उन्होंने बंगाली एक्सेंट को अडेप्ट किया है वो भी, और उनका पहले टीम खिलाना और फिर उनके खिलाफ जाना और फिर यूटर्न मारना भी एक हाईलाइट रहा है। इसके साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए कलर पैलेट, एटमॉस्फेरिक सेट क्रिएशंस, स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी और कैमरा मूवमेंट्स की भी तारीफ हो रही है। और इस पर से हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म की पेस भले ही एक इशू है, लेकिन फिल्म का कैमरा वर्क और विजुअल्स सभी को काफी पसंद आ रहे हैं। तो वही बॉक्स ऑफिस की आंकड़ों की बात की जाए तो कल ओपनिंग डे था और वो भी शाम को 6 बजे से स्पेशल शोज लगे थे और फिल्म की फुल स्केल रिलीज आज हो रही है। तो अभी हम इंतजार करना होगा कि फुल पब्लिक रिव्यू के आने का, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों की ग्रोथ होने में कुछ वक्त लगता है। ये एक दिन में पॉपुलर नहीं हो जाती, लेकिन वक्त के साथ लोगों के रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ के साथ स्लो पेस में आगे बढ़ती है और अजय की शैतान भी इसी तरह से एक स्लो पेस में ही आगे बढ़ी थी और बाद में फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन भी कर लिया था और उसी तरह की उम्मीद हमें मैदान से भी है।
तो वहीं अगर बड़े मियां छोटे मियां के साथ फिल्म के क्लैश की बात की जाए तो ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफी अलग है और इसी वजह से फिल्म को देखने वाली ऑडियंस भी अलग है। बड़े मियां छोटे मियां मासेस की फिल्म है तो वही मैदान एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस की फिल्म है, इसलिए ही इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अपने पेस पर ही आगे बढ़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है मैदान का आज कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अमित शर्मा की मैदान जिस पर उन्होंने 4 सालों तक काम किया अब वो फाइनली बनकर तैयार हो गई है, जो हमें 1950 से लेकर 1960 के एरा में ले जाती है, जिसे इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा कहा जाता है, जिसके पीछे नाम है सिर्फ एक ही बंदे का और वो है कोच साहिद अब्दुल रहीम, जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा लेकिन उन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है और उन्हीं के स्ट्रगल की स्टोरी है मैदान और कैसे इंडिया ने साल 1962 में एशियन गेम्स में फुटबॉल गोल्ड मेडल जीता और वो क्यों इंडिया और इंडियन फुटबॉल टीम के लिए जरूरी था। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसकी लेंथ है 3 घंटे की और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसे हम एक आइडियल लेंथ नहीं कहेंगे, लेकिन पहले हमें ये लगा था कि फिल्म लॉन्ग है तो फिल्म का मेन पार्ट जो है प्लेयर हंट वो काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया जाएगा, लेकिन फिल्म शुरू होने के आधे घंटे में ही रहीम एक क्रैक टीम को असेंबल कर लेते हैं जो इंडियन फुटबॉल टीम को एक सीरियस ग्लोबल कॉम्पिटिटर में बदल देती है, लेकिन क्लाइमेक्स आने में अभी टाइम है। मैदान रहीम साहब को काफी अच्छा ट्रिब्यूट देती है लेकिन अपनी ओवर आर्चिंग थीम में फिर होने के चलते उनकी ब्रिलियंस को अच्छे से लोकेट नहीं कर पाती है, यानी कि कुछ इवेंट्स के अलावा हम रहीम की टैक्टिकल लीडरशिप और इंटेलिजेंस को नहीं देख पाते हैं या उसे इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बेसिकली जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये फिल्म साल 2007 में आई चक दे इंडिया की याद दिला देती है, जो एक मुस्लिम कोच की स्टोरी है जिसके फेलियर की वजह से उसे हेट मिलता है और बाद में वो अपनी वुमेन हॉकी टीम के साथ आगे बढ़ता है और इंडिया को जिताता है। हालांकि रहीम साहब भी मुस्लिम है लेकिन यहाँ पर रिलीजन एक मसला नहीं है, मसला है तो वो है फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर शुभांकर और पावरफुल जर्नलिस्ट रॉय चौधरी, जो फिल्म के विलन की तरह भी काम करते हैं। वो हैदराबादी रहीम को इंडियन फुटबॉल टीम से दूर करना चाहते हैं और इस पर बंगाली कंट्रोल लाना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम में ज्यादातर बंगाली प्लेयर्स ही होने चाहिए क्योंकि फुटबॉल बंगाल में ज्यादा खेला और देखा जाता है। अब फिल्म के हिस्से जो है काफी अहम हो जाता है जब पॉलिटिक्स सेंटर होती है, लेकिन अगर इन कार्टूनिस्ट विलन्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की जगह अगर फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी स्टोरी या बैकग्राउंड पर फोकस किया होता तो देखने में काफी एंटरटेनिंग होता, लेकिन फ्लैम्बॉयंट चुनी गोस्वामी, द लाइटनिंग फास्ट पीके बैनर्जी और अग्रेसिव जर्नल सिंह के अलावा किसी को इतना चांस ही नहीं दिया गया। लेकिन इस नैरेटिव में रहीम की सपोर्टिव वाइफ सायरा और उनके बेटे हकीम को इंक्लूड किया गया है जो आगे चलकर इंडिया के लिए ही खेलते हैं। फिल्म के सेंटर में जो कर रहे हैं हम रहीम की इलनेस के बारे में पता चलता है और वहीं से पॉलिटिक्स ज्यादा बढ़ जाती है और टीम मेंबर्स भी एक दूसरे से अलग होते होते नजर आने लगते हैं। इस फिल्म की अगर सबसे खास बात कोई है तो वो है तुषार कांति रे का कैमरा वर्क, जिसमें स्पेशल स्पॉट्स सिनेमेटोग्राफर्स और एक्सप्रेसिव विजुअल इफेक्ट को अगर शामिल कर दिया जाए तो फिल्म में जो फुटबॉल मैचेस दिखाई गई हैं वो हमें 3-डायमेंशनल क्वालिटी देती हैं और हमें थिएटर से सीधा मैदान में ले जाती हैं। इसके साथ ही रहीम के प्लेयर्स का बेटर ट्रेन्ड ओपोनेंट्स और हेटिंग क्राउड के बीच मैच खेलना और उसमें ए आर रहमान का म्यूजिक का ऐड होना इस फाइनल एक्ट को हार्ट टचिंग बनाता है। पूरी फिल्म भले ही अनइवन पेस के साथ चलती है लेकिन ये फाइनल गूज़बम्प्स ग्रांटेड है जो रहीम की लेगेसी को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट भी देता है। अजय देवगन का परफॉर्मेंस तो रिमार्केबल और लाइकेबल है ही लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है और इन दोनों कोच और उनकी टीम के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी है, जिसमें रहीम एक स्ट्रिक्ट लेकिन लविंग टीचर है तो वहीं उनके स्टूडेंट्स चाइल्डिश लेकिन अटेंटिव प्लेयर्स हैं। ओवरऑल फिल्म एक बेहतर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने के पूरे एलिमेंट्स रखती है, गूज़बम्प्स ग्रांटेड सीन है और एक हार्ट टचिंग क्लाइमेक्स भी है। विजुअल वाइज भी फिल्म काफी अच्छी है तो जगह पर फिल्म का बैलेंस जरूर बिगड़ जाता है, लेकिन अगर आप एक फुटबॉल लवर हैं या आपको बायोपिक देखना पसंद है जिसमें ड्रामा भी हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म देखने आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828855088।
अजय देवगन की मूवी मैदान 10 अप्रैल 2024 को रिलीज होने जा रही है। मूवी की रिलीज डेट पिछले 4-5 सालों से खिसकती ही आ रही थी, उसके बाद फाइनली अब रिलीज होने जा रही है। 2 अप्रैल को अजय देवगन का जन्मदिन भी होता है। इस मौके पर उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि अजय अपनी 8 फिल्मों के सीक्वल बनाने वाले हैं। इनमें सिंघम अगेन, रेड 2, दृश्यम 3, सन ऑफ सरदार 2, धमाल 4 जैसे नाम शामिल हैं। एसएस राजामौली की हिट कॉमेडी थ्रिलर तेलुगु मूवी मर्यादा रमन्ना 4 भाषाओं में बनाई गई। हिंदी में बनी इस मूवी का नाम था सन ऑफ सरदार। इसे डायरेक्ट किया था अश्विनी धीर ने। कहानी में 2 सिख परिवार है जिनके बीच भयंकर रंजिश है। रंजिश की वजह है उनकी पुश्तैनी जमीन, जिसे बेचने के लिए अजय देवगन इंडिया आता है। अजय ने मूवी में एक सीधे सादे सरदार का रोल प्ले किया है। ये सरदार दोनों परिवारों के झगड़े में फंस कर रह जाता है। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और जूही चावला भी हैं। गेस्ट रोल में सलमान खान भी नजर आए थे। बीच में बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर सन ऑफ सरदार 2 की कहानी ढालने की प्लानिंग हुई। 2016 में अजय ने बाकायदा ये मूवी अनाउंस भी कर डाली थी, मगर उन्हीं दिनों अजय अक्षय कुमार केसरी नाम की मूवी काम कर रहे थे जो कि इसी ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित थी, इसलिए अजय को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद से मुसल्लल सन ऑफ सरदार 2 के लिए कहानी की तलाश जारी है, जो कि अब जाकर पूरी हुई बताई जा रही है। अजय ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लॉट लॉक कर लिया है। इसका स्क्रीन प्ले लिख लिया गया है, फिर मूवी फ्लोर पर जाएगी। इन चीज़ों में अगला 1-8 साल आराम से जाने वाला है। सन ऑफ सरदार 2 का सिर्फ टाइटल पुराना होगा, बाकी मूवी को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है। नए स्टार कास्ट के साथ भी बनाया जाएगा। पहली मूवी में अजय के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूही चावला ने काम किया था। बॉक्स ऑफिस worldwide.com नाम की रिपोर्ट के मुताबिक सन ऑफ सरदार 2 के लिए अजय के साथ सनी देओल को अप्रोच किया गया है। अब देखते हैं क्या होगा सन ऑफ सरदार 2 में। आप कितने एक्साइटेड हो, फिर मिलेंगे। बाय बाय। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882-88-500-88. जिम्मेदारी है और अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो बोनी कपूर माथा पटक पटक करना बेहोश हो जाएंगे। अब ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैदान बड़े मियां के साथ क्लैश कर रही है, बल्कि मैदान का रन टाइम 3 घंटे 2 मिनट है। अब 3 घंटे सुनकर हमें उतनी हैरानी नहीं हुई क्योंकि 3 घंटे से रन टाइम की पैसा वसूल एनिमल हमने देख लिया है ना। पर वो द ग्रेट संदीप रेड्डी बांगा की फिल्म थी और वो 3 या 4 घंटे की भी होती ना तब भी हम देखते, क्योंकि वो हमें बिठा कर रखते थे अपने वॉयलेंस को दिखाकर। पर मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसके टीजर ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। अब ये अजय की फिल्म है और इसका एग्जीक्यूशन और एग्जैक्टली क्या नया होगा इसके लिए एक्चुअली हमें थिएटर्स में जाना पड़ेगा। मतलब हम एक्साइटमेंट के साथ थिएटर्स में जाते हैं पर यहाँ कुछ खोजने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। वेल, अगर हम पिछली कुछ चुनिंदा स्पोर्ट्स फिल्में देखें तो शाहरुख खान की चक दे का रन टाइम 2 घंटे 33 मिनट था, अक्षय कुमार की गोल्ड का रन टाइम 2 घंटे 33 मिनट था, रणवीर सिंह की 83 का रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट था और सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का रन टाइम 3 घंटे 10 मिनट था। यानी कि स्पोर्ट्स फिल्मों में इसी का रन टाइम सबसे ज्यादा है। अब एमएस धोनी ये क्रिकेटर धोनी पर बनी फिल्म थी और धोनी तो फैंस के भगवान है, पर धोनी बने सुशांत सिंह राजपूत का परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग था और धोनी प्लस सुशांत इक्वल्स टू डबल धमाका, ये तो पहले से ही तय था। इस फिल्म का इंस्पिरेशन और प्रॉमिसिंग स्टोरी यूथ को सही मायने में एनकरेज करता है उन्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। शायद इसी वजह से फिल्म की तारीफ हुई थी, अच्छी रेटिंग्स मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी हुई थी, तो अब मैदान को भी इसी तरह से काम करना पड़ेगा। हाँ, उस फिल्म में फ्लॉज भी थे पर वो एडिटिंग को लेकर थे जो कि टेक्निकल पार्ट है और वो 2016 की फिल्म थी और आज 2024 है, ऐसे में टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमने बहुत तरक्की कर ली है। अब 3 घंटे का रन टाइम वही फिल्म लेती है जिनकी स्टोरी को अच्छे तरीके से दिखाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि मैदान के डायरेक्टर अमित शर्मा ने कहानी को प्रॉपर तरीके से दिखाया होगा, तभी तो इतना टाइम लग रहा है जिससे कि हम कनेक्ट कर सकेंगे। फिल्म की स्टोरी, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस, ये हमें 3 घंटे बिठा कर रखने का पोटेंशियल रख सकता है। तो अगर मैदान में ये सब कुछ सही प्रपोर्शन में हुआ तो 3 घंटे हम आराम से काट लेंगे। ऊपर से टॉपिक देश से जुड़ा हुआ है यानी कि देश प्रेम, तो इमोशनल ऑलरेडी हम होते ही है और यहाँ पर तो हमारे इमोशंस को ना बूस्टअप मिलने वाला है। देखते हैं कि मैदान क्या कमाल करती है।
तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। 2018 जुलाई में अजय देवगन की एक मूवी अनाउंस हुई थी, तब अनाम थी। अब उसी मूवी का नाम और पोस्टर के साथ साथ ट्रेलर भी आ गया है। मूवी का नाम है मैदान और ये बेस्ड होगी इंडिया की सबसे सफल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर। मूवी में अजय देवगन, सैयद अब्दुल रहीम और कीर्ति उनकी पत्नी का रोल प्ले करने वाली हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ऐसा क्या था सैयद अब्दुल रहीम नाम के इस आदमी में जिसकी मौत के 56 साल बाद एक सुपरस्टार को लेकर उसकी बायोपिक बनाई जा रही है। कौन है सैयद अब्दुल रहीम? इनके बारे में शॉर्ट में बस इतना जान लीजिए कि इन्हें कोचिंग का ध्यानचंद कहा जा सकता है। अंतर बस ये है कि ध्यानचंद की हाथों में जादू था और सैयद के एटीट्यूड में। 17 अगस्त 1909 को हैदराबाद में पैदा हुए रहीम पेशे से टीचर थे, लेकिन उनमें लोगों को मोटिवेट करने की गजब की क्षमता थी। उनकी इस काबिलियत को देखते हुए 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच जोड़ दिया गया। तत्काल प्रभाव से टीम की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क नजर आने लगा। हैदराबाद टीम ने लगातार 5 रोवर्स कप जीते। इसके अलावा 5 बार दुरंद कप के फाइनल में पहुंची, जिसमें से 3 बार विजेता रही। कुछ ही दिनों में हैदराबाद सिटी पुलिस देश की सबसे धाकड़ फुटबॉल टीम बन गई। 6 से 7 साल उस टीम के साथ काम करने के बाद उन पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की नजर पड़ी। 1950 में सैयद अब्दुल रहीम इंडियन फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर बने। 1951 में पहले एशियन गेम्स दिल्ली में खेले गए। इसमें इंडियन फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इसके ठीक अगले साल हेलसिंकी में हुए ओलंपिक में इंडिया को बड़ी जल्लत भरी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन टीम तब नंगे पांव खेली थी और फिनलैंड के ठंडे मौसम में टीम की हालत पतली हो गई। इसके बाद रहीम ने तय किया कि अब उनकी टीम जूते पहनकर मैदान में उतरेगी, और फिर क्या था, फिर टीम इंडिया जीती। खैर बाप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो अजय देवगन को सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर प्ले कर। आ रही है फिर से एक ऐसी फिल्म जिसका हर एक पल गूज बम्स से भरा हुआ है और जिसे देखने के बाद हम भी आखिर में इंडिया इंडिया करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की इस साल की पहली फिल्म मैदान के बारे में, जिसका आज फाइनल ट्रेलर आ चुका है। और इस ट्रेलर को हम एक कंप्लीट ट्रेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने हमें पूरी फिल्म से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका एक अच्छा और एक्साइटिंग व्यू दिया है। ट्रेलर में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो थ्रिलिंग थे, और एक बात तो है, जब भी अजय एक सीरियस मोड में चले जाते हैं तब वो फिल्म एक नंबर की होती है। और इस बार अजय को एज फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के तौर पर देखना और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो दोनों ट्रेलर्स आए हैं ना, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अजय 1950s के एरा में चले गए हैं और अब्दुल रहीम ही बन चुके हैं। साथ ही इस ट्रेलर ने हमें AR रहमान के दिल को छू जाने वाले म्यूजिक की भी अच्छी ग्लिम्स दी है, और खास तौर पर टीम इंडिया है हम वाला जो लास्ट में पार्ट था वो सबसे बेहतरीन था, और उसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी पूरा सिंक में है। अगर टिपिकली बात करूं अजय देवगन के 1950s के लुक पे और उनकी एक्टिंग पे, तो आई मस्ट से कि अजय देवगन एक परफेक्ट फिट हैं इस रोल के लिए। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रेलर में जो नेवर गिविंग अप का जो कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो आई मस्ट से कि अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और अगर आप एक फुटबॉल एडमायरर हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। इमोशनल टच के साथ साथ भरपूर ड्रामा और द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली जस्टिफाई दिया गया है। इसके साथ ही मैदान में हम हमारी इंडियन फुटबॉल टीम की और अब्दुल रहीम की जर्नी को सिर्फ इंडिया के लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने वाले हैं, और उन्हें जो गो बैक इंडिया या इंडिया से निकालो जैसे शब्द सुनने पड़े वो भी देखने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से एक बार हारने के बाद हमारी टीम इंडिया फिर खड़ी उठती है। इसके साथ ही इस ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है कि हम फिल्म में इस पॉलिटिकल इश्यूज या फोर्स भी देखेंगे। और जब अजय बोलते हैं मुझे तो लगा आज हम हिंदुस्तान की बात करने वाले हैं, लेकिन आप तो अभी भी बंगाल और हैदराबाद में ही अटके पड़े हैं। सिर्फ इसी डायलॉग से ही ऐसा कहा जा सकता है कि हम इसमें अब्दुल रहीम के बड़े ऑफिसर्स होने वाली लड़ाई भी देखेंगे। इसके साथ ही अजय तो इस फिल्म के गोल्डन हीरो हैं ही, लेकिन फुटबॉल टीम के जो सारे प्लेयर्स जिन्होंने वो हर एक कोने से ढूंढ लाने वाले
को वो भी काफी सतरंगी होने वाला है और उनका ये प्लेयर हंट भी फिल्म का एक अहम और दिलचस्प हिस्सा होगा और इस टीम को अपने कोच के साथ रिश्ता भी फिल्म की हाईलाइट होने वाला है। इन शॉर्ट इस ट्रेलर से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी काफी अच्छी होने वाली है और फुटबॉल लवर्स के लिए तो काफी स्पेशल होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। मैदान में जाना 11 लेकिन दिखना एक, फुटबॉल के आर्किटेक्चर कहे जाने वाले सैयद अब्दुल रहीम ने दी थी अपने प्लेयर्स को बस यही सीख। वन मैन वन हार्ट वन बिलीफ पर बेस्ड है मैदान की कहानी। अजय देवगन ने एक बार फिर गोल कर दिया और इसमें उन्हें लंबे हाइट वाले गोलकीपर की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैदान का ट्रेलर आया और हमें ले गया 1952 से 1962 के उस गोल्डन एरा में जब इंडिया को कोई नहीं जानता था, जानते थे तो बस फुटबॉल को, जिसके जरिए इंडिया को वेल नोन कंट्रीज में जाना जा सकता था। और इसी पर जुआ खेला सैयद रहीम ने और बना डाली एक ऐसी टीम जिसके रगों में खून नहीं फुटबॉल दौड़ता था। ये नहीं देखा कि उन्होंने वो कहां से हैं। ट्रेलर के डायलॉग से लेकर उसके डायरेक्शन तक सब टॉप नॉच काम हुआ है, लेकिन जिसने ट्रेलर में जान डाली वो है कॉस्ट्यूम्स और सेट। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो अजय की कॉस्ट्यूम को बहुत सादा और उस टाइम के हिसाब से बेल बॉटम रखा गया है। 1952 के दौर में बेल बॉटम बहुत ट्रेंड में था। कीर्ति कोलवंकर ही हैं वो आर्टिस्ट जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स पर काम किया है। ट्रेलर को रियलिस्टिक बनाने में और उस दौर में भेजने में उन्होंने ही हेल्प की है। इससे पहले इन्होंने अजय की दृश्यम शिवाय की कॉस्ट्यूम्स पर भी काम किया है। अब बात करें सेट डिजाइनिंग की तो ट्रेलर में एक ट्रेन दिखी जो उस समय की कोयले पर चलने वाली ट्रेन जैसी है। घरों और मुंबई कोलकाता के सीन्स को काफी टिपिकल रखा गया है, जैसे 1952 से 1962 के बीच हुआ करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसी बीच जिसने ट्रेलर में ध्यान खींचा वो है एआर रहमान का म्यूजिक। इंडिया है हम, इंडिया है हम, नो डाउट ये गाना थिएटर में गूज़बम्प्स और सीटियां बजाने वाला है। बात अब अजय द सुपरस्टार की करें तो लेजेंड भगत सिंह, ओमकारा, गंगाजल, तानाजी, दृश्यम जैसी हिट्स देने के बाद मैदान से फिर से सबको शॉक करने के लिए रेडी हैं। अजय सिनेमा का वो सिंघम है जिसकी एक्टिंग को कभी कोई दाग नहीं लग सकता है। इन्हें चाहे किसी भी जॉनर में डाल दो, ये आपको शैतान जैसी मूवी में डर का एहसास भी करा देंगे, गोलमाल जैसी मूवी में हंसा भी देंगे और सिंघम में स्वैग से नचा भी देंगे। ट्रेलर देखने के बाद एक बात पक्की है, फिल्म फर्स्ट डे अच्छी ओपनिंग लेने वाली है। अजय ही मूवी के वो एक्स फैक्टर होने वाले हैं जो मूवी को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन मैदान इस साल अजय की तीसरी फिल्म होगी। इस फिल्म में प्रिया मनी और गजराज राव भी दिखेंगे। इससे पहले की जो दो मूवी हैं उनमें से एक तो आप जानते ही हैं शैतान, और कहा जा रहा है कि औरों में कहां दम था मैदान से पहले रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर नितिश तिवारी होंगे और उसके बाद आएगी सिंघम अगेन जिसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी होंगे। इसका क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से होगा। इन चार फिल्मों के बाद अजय की फिल्म रेड 2 भी आएगी। रेड 2 की रिलीज डेट 15 नवंबर होगी। फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं अजय देवगन की मूवीज के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। अजय देवगन की अपकमिंग मूवी मैदान इज सेट टू हिट थिएटर्स ऑन 10th April और इस साल की ईद को और स्पेशल बनाने के लिए इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और जी स्टूडियोज ने फैसला किया है कि वो मूवी को आईमैक्स फॉर्मेट में भी रिलीज करेंगे। अब आईमैक्स फॉर्मेट तो इंडियन सिनेमा में फिल्मों को रिलीज करने का एडवांस टेक्निक बन चुका है जो कि ऑडियंस को एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है। ऐसे में अब मैदान भी आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होगी और ये दूसरी बॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होगी जो फॉर्मेट में रिलीज हो रही है। और अगर ये मूवी आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है तो अजय देवगन की तीसरी मूवी होगी मूवी RRR और भोला के बाद। पर मैदान का क्लैश तो बड़े मियां छोटे मियां जैसी एक्शन एंटरटेनर मूवी के साथ हो रहा है और क्योंकि ये इस साल की बिग बजट एक्शन एंटरटेनर मूवी है इसलिए इसे आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज करना जरूरी समझा जा रहा है। इसका मतलब अब ये अक्षय कुमार की चौथी आईमैक्स रिलीज मूवी होगी फिल्म गोल्ड, सम्राट पृथ्वीराज और 2.0 के बाद।
वैसे ही अजय और अक्षय ने एक दूसरे को एटरेक्ट कह दिया है कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम, पर ये मुकाबला बहुत ही डिफिकल्ट है। पर दो बड़ी फिल्मों का एक साथ एक ही दिन रिलीज होना IMAX फॉर्मेट में ये हैरानी की बात है। और ये चमत्कार अक्षय और अजय कर रहे हैं जिनके ऊपर इस साल बॉलीवुड की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ही दिन रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्मों को IMAX फॉर्मेट में रिलीज करना अलाउड नहीं है। अब प्रभास की मूवी आदि पुरुष भी IMAX स्क्रीन पर ही रिलीज होने वाली थी, पर वो हुई नहीं क्योंकि उसके अगेंस्ट हॉलीवुड फिल्म दी फ्लैश थी। रणवीर सिंह को भी अपनी मूवी 83 को IMAX फॉर्मेट में ही रिलीज करना था, पर सामने स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 एंड मैट्रिक्स रिसरेक्शंस जैसी दो हॉलीवुड फिल्में खड़ी थी। पर इस मामले में सलमान खान ने हॉलीवुड वालों को घुटने पर बिठा दिया। उनकी मूवी टाइगर 3 के सामने दी मावर्स नाम की मूवी थी, पर ज्यादा से ज्यादा IMAX स्क्रीन्स पर टाइगर ने कब्जा जमा दिया। वैसे ये तो बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड मुकाबला था, पर अभी यहाँ पर दो बॉलीवुड स्टार्स की ही स्क्रीन सामने सामने है। वैसे इंडिया में बड़े मियाँ छोटे मियाँ को 5000 स्क्रीन मिल सकती है, वहीं मैदान को 2000। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मैदान को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। फिल्में ऐसी बनाओ कि चार लोगों को किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। वेल, ऐसी ही फिल्मों में से एक है हाल ही में रिलीज होने वाली अजय देवगन स्टारर मैदान। फिल्म 1952 से 1962 तक यानी फुटबॉल के 10 साल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। आपको बता दें कि अजय देवगन इस फिल्म में साहिद अब्दुल रहीम के किरदार निभाते नजर आएंगे, जिनकी फुटबॉल की दुनिया में अलग ही पहचान है। उन्होंने अपने खेल के हुनर से भारत का नाम भी किया। खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने इंडियन टीम के कोच की जिम्मेदारी भी संभाली है। 1951 से लेकर 1963 तक यानी जीवन के अंतिम सांस तक वे भारतीय टीम की सेवा में लगे रहे। वेल, फिल्म की बात करें तो 7 मार्च को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो फुल चक दे इंडिया वाइब्स है बॉस। अगर ट्रेलर को पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूं तो ट्रेलर की शुरुआत में अजय का एक डायलॉग है जिसमें अजय अपनी टीम को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फुटबॉल एक मात्र सहारा है उनकी पहचान बनाने का, मानना पड़ेगा। अजय अपने सीरियस पर्सनैलिटी और मेच्योर लुक्स के साथ इन जी के इस सुपर डुपर कैरेक्टर को काफी जस्टिफाई कर रहे हैं। तभी तो जब ट्रेलर में पूरे जोश के साथ वो किक मारते हैं और बॉल दूसरे पार खड़े बच्चों के पास चली जाती है, तब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिल्म में कुछ लोग अजय के साथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनकी बीवी, उनके 11 बच्चों की टीम, मगर कुछ लोग उनके विपरीत भी खड़े हैं, कोशिशों पर डाउट करते हैं और ताना भी मारते हैं। तो इस मुसीबत के दौर के बाद अजय कहते हैं कि इंडिया अगर हार गई तो वह शायद ये कोच की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, मगर हम सब जानते हैं और वो भी जानते हैं कि उनकी अंतरात्मा तो एक ही चीज कहती है कि अब वक्त आ गया है दुनिया को करके दिखाने का। ट्रेलर में काफी स्पोर्टी माहौल नजर आ रहा है। कभी टीम मैदान में खेलती नजर आती है तो कभी टीम वी टीम इंडिया कहती नजर आ रही है। और ट्रेलर की बात करें तो फिल्म काफी मोटिवेटिंग लग रही है। क्रिकेट के दौर में फुटबॉल का जिक्र करना कोई आम बात नहीं बल्कि काफी बड़ी बात है। फिल्म जैसे अक्षय कुमार की गोल्ड, शाहरुख खान की चक दे इंडिया या फिर क्यों ना आमिर खान की दंगल ही हो, इन सारे फिल्मों में एक कोच यानी गुरु के पैशन को इतना ब्यूटीफुली ग्लोरीफाई किया गया है। कोच और टीम के रिलेशनशिप्स को भी बहुत खूबसूरती के साथ समझाया गया है। दोनों के रिश्तों में जितनी लगन और मेहनत है उनके रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को लेकर, उतना ही आपसी प्रेम भी है। फिल्म इतने बार रिलीज के वादे तोड़कर अब फाइनली रिलीज हो रही है ऑन द 10th of April 2024। तो आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और टिल देन कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान का दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है और इस गाने का टाइटल है टीम इंडिया है हम, जो बेसिकली एक एंथम सॉन्ग है जो इंडियन एथलीट्स को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने 1952 से 62 के दौर में फुटबॉल के उस गोल्डन एरा के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की थी। और 2 मिनट 48 सेकंड के इस गाने में फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर निभाने वाले अजय देवगन और उनकी फुटबॉल टीम नजर आती है। तो गाने की शुरुआत में हम एक बड़ा सा स्टेडियम गूंजता हुआ देखते हैं और फिर हम इस लाइन की है 2 लाइनें, जान ले लो हमारी फिर देखेंगे कल से, डर को जाके बोल दो डर भी डरता हमसे। और ये हमें सुनाई देता है इंडियन फुटबॉल टीम के एक प्लेयर के मुंह से जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। और फिर फ्रेम बाय फ्रेम हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ये लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपनी फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल लेवल पर
ले जाने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। जहां बीच बीच में हमें इनकी धूप और बारिश में चल रही ट्रेनिंग की झलक दिखती है और अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ फुटबॉल मैच भी दिखाई जाती है, जहां कभी सामने वाली टीम ने येलो कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं तो कभी रेड कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, और इंडियन टीम को स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ दिखाया गया है, जहां ये बंदे सामने वाली टीम को चकमा देकर हरा देते हैं और इन सबको मैदान में मोटिवेट करने के लिए होते हैं इनके फुटबॉल कोच यानी कि हमारे अजय देवगन। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी फिल्म में सैयद अब्दुल रहीम जो फुटबॉल टीम बनाते हैं उसमें कोई ट्रेंड खिलाड़ी नहीं होते हैं, उसमें तो झोपड़पट्टी से बिलोंग करने वाला एक लड़का भी होता है। और इसीलिए हमें गाने के बीच में एक कमेंट्री सुनने को मिलती है कि भारत की टीम को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि टीम के 7-8 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार खेल रहे हैं। तो ये सब किसका नतीजा है? ये नतीजा है उनके हार्ड वर्क और उन्हें मोटिवेट करने वाले उनके बैकबोन का, यानी उनके फुटबॉल कोच का। और इस गाने के एंड में अजय अपनी टीम से कहते हैं, सोच एक, समझ एक, दिल एक, दिमाग एक, आज मैदान में उतरना 11 पर दिखना एक, यानी तुम 11 प्लेयर्स जरूर हो पर मैदान में तुम्हारी यूनिटी दिखनी चाहिए। वैसे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि डायलॉग बोलते हुए अजय के खड़े रहने का अंदाज काफी अलग है। वो थोड़े बेंट होकर खड़े हैं, सीधा चौड़ा करके खड़े नहीं है, क्योंकि रियल फुटबॉल कोच रहीम भी ऐसे ही खड़े रहते थे। वैसे इस गाने को आवाज दी है एआर रहमान और नकुल अभयंकर ने, और गाने को म्यूजिक दिया है एआर रहमान ने ही, जिन्होंने 4 अटेम्प्ट्स के बाद ये गाना तैयार किया है जिसकी शुरुआत उन्होंने कोविड के दौरान ही कर दी थी। वेल, तो मैदान का ये मोटिवेशनल सॉन्ग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान बड़े मियां छोटे मियां के साथ क्लैश करने जा रही है। अब ये तो ठीक है, पर बड़े मियां के कंपैरिजन में मैदान की ओपनिंग को लेकर कम प्रेडिक्शन है। जैसे बड़े मियां के लिए 30-35 करोड़ का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है तो मैदान के लिए 17-18 करोड़ का। इसका मतलब कि अजय की अच्छी ओपनिंग देने वाली टॉप 5 फिल्मों में मैदान तीसरी पोजीशन पर हो सकती है। जैसे इससे पहले सिंघम रिटर्न्स ने 32.09 करोड़ की ओपनिंग दी थी, गोलमाल अगेन 30.14 करोड़ रुपीस, टोटल धमाल 16.50 करोड़ रुपीस, दृश्यम 215.38 करोड़ रुपीस और तानाजी द अनसंग वॉरियर 15.10 करोड़ रुपीस। पर द अजय देवगन की फिल्म के लिए ये ओपनिंग थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, उनकी इस साल रिलीज हुई शैतान ने 14 करोड़ की ओपनिंग दी थी, पर ये एक स्मॉल बजट फिल्म थी, पर मैदान तो 300 करोड़ में बनी है। ऐसे में आंकड़े तो यहाँ पर बड़े होने ही चाहिए। हाँ, क्लैश की वजह से ये हो सकता है, पर धीरे धीरे कमाल भी तो हो सकता है। पर अगर मैदान से पहले कुछ स्पोर्ट्स फिल्म में देखें तो उसमें अक्षय की गोल्ड ने 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, आमिर खान की दंगल ने 29 करोड़ की, सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने 20 करोड़ की, हालांकि रणवीर सिंह की 83 ने 12 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अब ऐसी फिल्मों में आप ऑडियंस को किस तरह से इमोशनली इंगेज रखते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक देशभक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इमोशंस हाई होने ही चाहिए, हर सीन देखते हुए ना गूज़बम्प्स आने चाहिए, एक अलग एनर्जी चाहिए, फिल्म इंस्पायर करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बाकी फिल्में ना ये सब कुछ कर चुकी है, पर स्पोर्ट्स और फिल्मों के लिए इतना बजट नहीं लगता है। ये सारी फिल्में 100 करोड़ से कम के बजट में बनी है, पर मैदान के लिए 300 करोड़ रुपए बहाए है जी स्टूडियोज ने, क्योंकि वो किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे, इसलिए टेंशन थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है बजट वसूल करने की। पर अगर मैदान हमें इमोशनली कनेक्ट और इंगेज रख पाए तो वो अच्छी खासी ओपनिंग दे सकती है। पर ये कम प्रोडक्शन इसलिए भी हो रही है क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, मतलब चलते एक्शन ट्रेंड के लिए ये बेंचमार्क सेट करने के मूड में है, तो काफी ट्रेंडिंग है और ऑडियंस को एक्शन फिल्में अभी फिलहाल तो पसंद आ रही है, उसमें भी टेक्नोलॉजी एंगल है। हाँ, बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पर फिर भी ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए फैंस एक्साइटेड है, क्योंकि इससे अक्षय और टाइगर दोनों के फैंस जुड़े हुए हैं। अब मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और मैदान की कहानी यूनिक तो नहीं है, एक कोच का टीम बनाने का स्ट्रगल है, करो या फिर मरो वाली सिचुएशन है और फाइनली देश के लिए कोई मेडल जीतना है, और ऐसा प्लॉट हमने पहले भी देखा है। पर अजय की फिल्म है ये और टीजर ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी हो और लोग इससे इम्प्रेस हो जाएं। वैसे आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। लीगल पचड़े में फंस सकते हैं बोनी कपूर, अजय देवगन की मैदान की रिलीज पर फिर लगेगा रोक।
सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की गई है। अजय देवगन की मैदान इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। लंबे समय से चलती आ रही इस फिल्म को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना है, मगर रिलीज से पहले ये फिल्म एक और मुसीबत में गिर गई है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत कैमरा विंडोज की तरफ से करवाई गई है। उनका आरोप है कि बोनी ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। बोनी कपूर के खिलाफ ये शिकायत निनाद नयामपली नाम के शख्स ने की है। वो कैमरा वेंडर हैं जो कैमरा और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, उन्होंने मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की है। साथ ही मुंबई सिविल कोर्ट से ये अपील भी की है कि मैदान की रिलीज पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उनका पैसा उन्हें मिल नहीं जाता। बोनी कपूर और उनकी टीम ने फिल्म की शूटिंग के लिए कैमरे से जुड़े कुछ उपकरण लिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि शुरुआत में उनकी तरफ से भेज देने वाले पैसे और इनवॉइस में कोई समस्या नहीं आई थी, मगर दिसंबर 2020 के बाद उनकी पेमेंट रोक दी गई। निनाद ने इस विषय पर बोनी कपूर से बात भी की, पर बोनी ने उस वक्त निनाद को दिलासा भी दिलाया था कि उनकी बची हुई पेमेंट क्लियर कर दी जाएगी, मगर बाद में उनकी करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद वेंडर ने मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का निर्णय लिया है। निनाद ने मीडिया से ये बताया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, हमने लीगल रास्ता अपनाया और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हमें अभी तक लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं मिला है। हमारी रिकवरी के लिए हमारे पास यही एक रास्ता बचा था। निनाद की कंपनी के एक और शख्स धनपाल जेवियर ने भी मीडिया से बताया, कहा, मैदान के प्रोड्यूसर ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि रिलीज से पहले हमारा जो भी बकाया है और उनके चुका देंगे, मगर इसके बावजूद प्रोड्यूसर और उनकी टीम ने हमसे बातचीत ही बंद कर दी, हमारे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। निनाद की तरफ से कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी दिए गए हैं जिसमें बोनी कपूर ने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें वेंडर अपने पेमेंट की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। इस पर मुद्दे पर बोनी कपूर की तरफ से भी जवाब आया था। उनका कहना था कि उनकी तरफ से 63 लाख रुपए का बकाया है, 1 करोड़ का नहीं। मीडिया से बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा, मैंने मेरी टीम से बात की है, निनाद और उनकी टीम को फिल्म रिलीज से पहले उनके सारे बचे हुए पैसे दे दिए जाएंगे, जिसमें अभी 1 महीना बचा हुआ है। सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि बाकी वेंडर्स से भी हमने ये वादा किया था कि रिलीज से पहले सभी की पेमेंट्स पूरी कर दी जाएंगी। सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से ये फिल्म सालों सालों लटकी रही। बोनी ने आगे जोड़ा, मैंने 45 फिल्म्स बनाई हैं और कभी भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी की पेमेंट छूटी हो या कुछ नहीं, बस बातों का घुमाया जा रहा हो। जो भी बिल है उसे क्लियर कर दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। बाकी हम उनके नोटिस का जवाब कोर्ट में देंगे। खैर, मैदान 2024 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मैदान के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई थी। अजय देवगन भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रीमणि और गजराज राव भी दिखेंगे। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल माहौल है। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अजय देवगन की मैदान पिछले 4-5 सालों से फंसी हुई है, इतनी रिलीज डेट आई बस मूवी ही नहीं आई। अब फाइनली 2024 पर मूवी सिनेमा घरों में उतरने जा रही है। रिलीज से पहले डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने एक इंटरव्यू में बातचीत की। उन्होंने बताया कि रिलीज से 2 महीने पहले मूवी की स्क्रीनिंग क्यों रखी गई। बीते 28 फरवरी को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मैदान की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेड एनालिस्ट थे। अमित से पूछा गया कि मूवी की रिलीज से इतना पहले स्क्रीन करने का भरोसा कैसे आता है। उनका कहना था, मूवी के हर डिपार्टमेंट में लोगों ने बढ़िया काम किया है। इस मूवी पर जितने लोगों ने काम किया है वो अपने आप में ही स्टार हैं। कुछ दिन पहले वो अपनी टीम से पूछ रहे थे कि एंड क्रेडिट्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है। टीम ने एक मेंबर ने कहा, टाइम तो लगेगा, कितने सारे नाम जो हैं। डायरेक्टर ने पूछा कितने नाम हैं, तब उन्होंने बताया कि मूवी पर 3500 लोगों ने काम किया है और उन्हें उन नामों को उनकी सही जगह देनी ही होगी। डायरेक्टर उस समय मिक्सिंग स्टूडियो में थे और कंप्यूटर बार बार बंद पड़ रहा था। उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, आपकी मूवी बहुत बहुत बड़ी है, और आगे कहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस कंप्यूटर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हैवी फाइल को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है।
एडिटर ने जवाब दिया कि कंप्यूटर एकदम करेक्ट है, लेकिन आपकी मूवी में 1300 आवाजों का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसी इंटरव्यू में अमित से पूछा गया कि मूवी को रिलीज होने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच 65% शूटिंग हो चुका था। उसके बाद COVID-19 आ गया। उन्होंने बताया कि मैदान में इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, इसलिए उन्हें लाने में भी वक्त लगा। खैर बाबा, तो आप कितने एक्साइटेड हो मैदान को लेकर? हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। कैरी देवगन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन बॉलीवुड, जिनकी अपकमिंग पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैदान आ रही है, जिसका जबरदस्त ट्रेलर भी हमने देख लिया है। और अब बारी है इसके पहले गाने की। तो इस पहले गाने का टाइटल होगा मिर्जा। गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, दिल के मैदान से जीत कर घर आया मेरा मिर्जा। ये गाना आएगा 18 मार्च को, और इस गाने को लेकर मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में हमें नजर आते हैं अजय और उनकी वाइफ का कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मनी, यानी ये गाना इन दोनों पर फिल्माया गया है। इस मूवी में अजय निभाने वाले हैं फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर, जो एक जबरदस्त फुटबॉल कोच होने के साथ साथ एक फैमिली मैन भी थे, जिनकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उनकी पत्नी सायरा, जिसका कैरेक्टर निभाएंगी प्रिया मनी, और उनकी छोटी बेटी भी थी। अब ट्रेलर में ही हम देखते हैं कि रहीम की छोटी बेटी ये कहती है कि अम्मी आपके शौहर आ गए, जिस पर प्रियमनी का खुश होना हमें साफ नजर आता है। मतलब मेरा सोना सजन घर आया, उस गाने की तरह उसकी खुशी सामने आ जाती है। इससे ये समझ आता है कि अच्छे अब यानी अब्दुल रहीम बहुत टाइम बाद अपने घर लौटे हैं, और जाहिर है कि इतने दिनों बाद अपने पति के लौटने की वजह से पत्नी और बेटी खुश तो होगी ही। अब बीच बीच में ये बहुत टाइम बाद घर लौटने की वजह ये होगी कि रहीम को एक इंडियन फुटबॉल टीम बनाने की तैयारी करनी थी, जिसके लिए वो घर से दूर भी रहते होंगे। ऐसे में रहीम की पत्नी सायरा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अपने पति के साथ खड़े रहती है, उसके एब्सेंस में घर संभालती है। उसे पता है कि उसके पति का पहला प्यार फुटबॉल है और फुटबॉल सायरा की सौतन है। खैर, बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 882-88-500-88. आप तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान इस ईद पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जहां पर अजय फिल्म के लीड हीरो है। और इस कैरेक्टर के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर के दिमाग में पहला नाम अजय का ही आया था, जो की एक कंसिस्टेंट एक्टर है। अभी फिल्म की कहानी यानी कि कंटेंट जो कि फिल्म को ड्राइव करता है वो कैसा होगा, ये तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। पर स्टोरी को डायरेक्शन देने वाला दिमाग भी वैसा ही होना चाहिए। सही डायरेक्शन ना मिले ना तो फिर ना कंसेप्ट काम आता है और ना ही परफॉर्मेंस, बल्कि फिल्म की जो नींव होती है ना वो हिल जाती है। अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं अमित शर्मा, और अगर उनकी फिल्मोग्राफी आप देखोगे ना तो फिर उसमें कुल मिलाकर 4 फिल्में उन्होंने की है, फिर भी इसके बाद बोनी कपूर ने उन पर यकीन दिखाया है। एक्चुअली बोनी कपूर की फिल्म तेवर की सबको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वैसे कहानी अमित की नहीं थी, पर डायरेक्शन में शायद वीकनेस था। और ऊपर से फिल्म के हीरो अर्जुन कपूर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। पर फिर भी बोनी जी ने अमित को मैदान का ऑफर क्यों दिया? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भले ही तेवर को रिस्पॉन्स ना मिला हो, पर बोनी कपूर को ये फिल्म पसंद आई थी। हाँ, बेटे की फिल्म है तो पसंद तो आएगी ही ना, और उन्हें अमित शर्मा का काम भी बहुत पसंद आया था। इन्होंने इसलिए तेवर के लिए उन्हें चुना था। उन्होंने तेवर फिल्म होने की आयुष्मान खुराना को उन्होंने स्टोरी सुनाई, इसका डायरेक्शन किया, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाल किया था। इस फिल्म में ड्रामा, इमोशंस, कॉमेडी, ह्यूमर सब कुछ था। स्टोरी लाइन अच्छी थी जिसके पीछे अमित का दिमाग था। तो कभी फेल भी होंगे तो कभी पास भी होंगे, पर एक फिल्म से उन्हें जज करना सही नहीं होता। वैसे अब मैदान के साथ उनका कंटेंट और अजय देवगन जैसे प्रॉमिसिंग स्टार है, तो सारी चीजें अप टू द मार्क हो और ये फिल्म अमित के करियर की ओर एक नया कदम हो और अजय के करियर की बेस्ट पोस्ट ड्रामा फिल्म साबित हो, ये हम सब की उम्मीदें हैं। वैसे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसा क्यों होता है कि अजय देवगन की किसी फिल्म के अनाउंसमेंट होती है और कोई ना कोई टपक पड़ता है? आप सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा 2 को ही देख लीजिए, क्या जरूरत है क्लैश करने की?
हाँ हमें पता है कि अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ अजय ही क्लैश करने जा रहे हैं उनकी फिल्म मैदान के साथ में, पर मैदान पर घोर अत्याचार हुआ है भाई, कभी कोविड की वजह से, कभी तूफान की वजह से, कभी किसी फिल्म प्रोड्यूसर की वजह से। इस फिल्म का क्लैश सराज सिमौली की फिल्म ट्रिपल आर से होने वाला था, जिसमें भी अजय देवगन थे, उन्होंने कैमियो किया था। ये दोस्तों ये फिल्म पहले 15 अक्टूबर 2021 को आने वाली थी, पर इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले ही मैदान की अनाउंसमेंट हुई थी जो 13 अक्टूबर 2021 को आने वाली थी, तो दशहरा के मौके पर ही टकराने वाली थी। पर ये सब देखकर मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी का दिमाग ही घूम गया और उन्होंने कहा कि ये अनएथिकल है, मतलब अनैतिकता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने राजमौली की टीम से कहा था कि वो एक बार अनाउंसमेंट से पहले बात करें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और डायरेक्टली ट्रिपल आर की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। तो उस पर किसी को भी गुस्सा आएगा ना भाई, उस वक्त अजय का आत्मा जैसा टकली वाला अवतार शायद देखने लायक होगा, पर बॉक्स ऑफिस पर नुकसान तो होता ही। उसके बाद प्रभास के आदिपुरुष और कार्तिक आर्यन के सत्य प्रेम की कथा जून 2022 में रिलीज होने वाली थी, वहां पर भी मैदान रिलीज होते होते रह गई क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि फिल्म रिलीज होने में सिर्फ 20 दिन बचे थे। फिर 2023 में सलमान खान की टाइगर, रणबीर कपूर की एनिमल आने वाली थी और शाहरुख खान की डंकी भी, तो मैदान को जगह नहीं मिल रही थी, इसी वजह से बोनी कपूर और मेकर्स ने इसे पोस्टपोन किया। तब मेकर्स ने सोचा कि ये फिल्म लॉन्ग लास्टिंग अपील वाली फिल्म है, वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर द फिल्म दंगल जैसा इंप्रेशन डाल सकती है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो किसी और रिलीज डेट को ढूंढेंगे। ऐसा करते करते उन्होंने 2024 को पकड़ लिया। वैसे दोस्तों मैदान हमें इंडिया के उस गोल्डन पीरियड में लेकर जाएगी जहां सैयद अब्दुल रहीम जैसे फुटबॉल कोच ने अपनी फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया था और गोल्ड मेडल हासिल करवाया था। तो इस रियल हीरो की कहानी हमें बताई जाएगी, जिसमें फिल्म का लेवल बढ़ाने के लिए फिल्म में इंडियन फुटबॉल टीम जो दिखाई जाएगी उसके साथ रियल फुटबॉल प्लेयर्स खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। देखते हैं फिल्म की तरह बॉक्स ऑफिस पर मैच कैसा होता है। अब आपका दोस्तों उसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें ऐसे भी स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं आए, तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब फिल्म को रिलीज डेट तो मिल चुकी है, पर क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के मैदान पर पहले ही दिन ये बढ़िया गोल कर सकती है या फिर नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा, पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आमिर खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था, तो इसे समझ में आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की बार बार पोस्टपोन होकर थक चुकी मूवी मैदान फाइनली मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसका टीजर भी देखा गया जो काफी इम्प्रेसिव था।
इतना ही नहीं बल्कि टीजर को मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर भी कहा गया, जिसने पहले 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज हासिल किए और ओवरऑल 50 मिलियन व्यूज पाकर ये सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि पहली पोजीशन पर मूवी आदिपुरुष का हिंदी टीजर है जिसने 60 प्लस मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। पर कोई बात नहीं, इतना पोस्टपोन होने के बाद अचानक से ईद पर रिलीज होने का फैसला लेने वाली ये मूवी ऑडियंस की नजर में तो आ चुकी है। तो ये मूवी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है। वैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते हैं कि ये मूवी फुटबॉल के जरिए उतना इम्पैक्ट डाल सके जितना आमिर खान की मूवी लगान ने क्रिकेट के जरिए डाला था। अब लगान भी कुछ हल्के में नहीं बनी थी, क्रिकेट है मतलब ग्राउंड चाहिए, तो उस तरह से चीज़ों के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो है ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक फील, जो ऑडियंस को फील हो, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही सब मैदान के लिए करते वक्त बोनी कपूर की तो नींदें ही उड़ गई। मतलब शाहिद कपूर की फिल्म का वो गाना है ना, उड़ गए तोते तेरे, तेरे तो उड़ गए तोते, वैसा ही कुछ हुआ। अब प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर के साथ और जी स्टूडियोज भी जुड़ चुका है, जिनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 और 60 करोड़ के बजट में बनाया गया। पर इस बार मैदान के लिए बजट कम ना हो ऐसा इन लोगों को लगा, क्योंकि गदर 2 के बाद इन्हें एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए। तो पैसा बहाते हुए इस मूवी के लिए इन्हें रियल मैदान चाहिए थी, कोई सेट नहीं, जिसके लिए 6 महीने के लिए एक मैदान लिया गया। पर फिर पेंडेमिक आया और शूटिंग नहीं हो पाई, और फिर भी प्रोड्यूसर को उसकी फीस देनी पड़ी। फिर साइक्लोन की सिचुएशन आई, ऐसे में भी बिना मतलब के रेंट देना पड़ा, और शूटिंग के दौरान ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए 500 क्रू मेंबर्स रहते थे, फिर उनका खर्चा, तो शूटिंग ना होते हुए भी रेंट भरते रहना, इसकी वजह से बोनी कपूर जी की नींद हराम हो चुकी थी। अब क्या करें, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं मैदान कैसी होगी, बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस पर मैदान बड़ी ठोकरें खाकर अब जाकर रिलीज होने वाली है, और इसकी प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जानवी कपूर के करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना, उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी। पर जानवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जानवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है। वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया। और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर। पर फिल्म को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है, शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं। ऐसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है, बट ने सबकी जेब खाली करवाई ना, तब OTT अपनी जेब भी भर रहा था। हाँ, पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं। एक ऐसे एरा को रिक्रिएट करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पर डाउट है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फिल्म अदर लेवल की हो सकती है। और फिल्म का लेवल नॉर्मल नहीं है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है, दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है। और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स प्रमोशन कर दी तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है। इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है, साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कम्पोज किए है, जो की बहुत ही अच्छी बात है, और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कंपोज किए हैं वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स हैं, और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं, ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में से थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ, पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है। तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर मैदान में बाजी मारेगी या फिर नहीं, इस पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम पर बनी है, जो कि ईद पर आएगी, और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां वो भी इसी दिन आएगी। पर हमें मैदान को लेकर ना चिंता हो रही है, हम इंटरनेट पर जितनी खबरें सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कहीं भी मैदान का जिक्र नजर नहीं आ रहा है।
मतलब उसकी बात उतनी नहीं हो रही है जबकि इसकी शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। पर बड़े मियां छोटे मियां की जोरदार चर्चा है। अब इससे पहले भी अजय और अक्षय ने 9 बार मुकाबले किए हैं। उसमें से अगर हम आखिरी मुकाबला देखें जैसे कि अक्षय की राम सेतु वर्सेस अजय की थन बॉय, तो राम सेतु कलेक्शन के मामले में जीत गई 60 करोड़ के साथ और अजय के पल ने कलेक्शन किया था बस 30 करोड़। अब इन दोनों का ही कलेक्शन बेकार है पर दोनों का उतना हाइप भी नहीं था। थोड़ी बहुत बातें हुई थी किसी गाने की वजह से किसी न्यूज की वजह से, पर आज के एक्शन गाना स्टार कास्ट को लेकर जो हाइप बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ पर अब जब अजय की गोलमाल 3 वर्सेस अक्षय की एक्शन रिप्ले आई थी तो क्लियर कट गोलमाल 3 जीत गई थी 100 करोड़ के साथ और उसका हाइप भी था क्योंकि फिल्म के कंटेंट कास्ट को लेकर एक्साइटमेंट थी और ये फिल्म के सक्सेस पे बहुत मैटर करता है। अब बड़े मियां वर्सेस मैदान के केस में बड़े मियां का 1000 करोड़ लेवल का हाइप है, वही मैदान को लेकर कुछ प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है क्योंकि सामने से मेकर्स भी फैंस के जरूरत दिमाग पर छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बड़े मियां में रियल एक्शन है तो अजय ने इस बायोपिक और रियल कैरेक्टर के लिए क्या क्या रियल किया है उसे लेकर मेकर्स को मतपूर्ण चर्चा करनी चाहिए थी। अगर मैदान वालों को ऑडियंस का ध्यान खींचना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा। फिर चाहे वो पोस्टर्स हो, फिर प्रमोशनल कंटेंट हो या फिर अजय की अपकमिंग फिल्म शैतान के साथ मैदान का ट्रेलर लाना हो, तब ना मजा आएगा, लोग जुड़ पाएंगे उस चीज से क्योंकि ऑडियंस को एक ही दिन डबल ट्रीट मिलेगी और डेफिनेटली मैदान चर्चा में तो आएगी। फिर अब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर के क्या प्लान है वो तो भाई भगवान जाने क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें भी किसी ने अंदाजा लगाया है कि बस बोनी कपूर ही प्रमोशन कर सकते हैं क्योंकि अजय बाकी शूटिंग्स में बहुत बिजी है, तो ऐसे में मैदान का क्या होगा। होप्सो की अजय प्रमोशन पे नजर आए क्योंकि फैंस उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और उनके बिना फिल्म की चर्चा नहीं हो पाएगी चाहे बोनी कपूर कितना भी ट्राई कर ले। वैसे आपको क्या लगता है ये जो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्या वो भी कोई स्ट्रैटेजी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखबन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस्ड पर मैदान बड़ी ठोकरें खाकर अब जाकर रिलीज होने वाली है और इसकी प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जानवी कपूर के करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी। पर जानवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जानवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है। वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर। पर तुमको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है, शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं। वैसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जब कोविड ने सबकी जेब खाली करवाई ना तब OTT अपनी जेब भी भर रहा था। हाँ पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं, एक ऐसे एरा को रिक्रिएट करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पर डाउट है क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये पल अदर लेवल की हो सकती है और पल का लेवल नॉर्मल नहीं है। इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है, दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स के चाहने वाले भी ना फिल्म से जुड़ जाते हैं और क्या पता कोई पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर इसका प्रमोशन कर दे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है। इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है, साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कम्पोज किए है जो की बहुत ही अच्छी बात है और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कंपोज किए हैं वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स हैं और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है, तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में से थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है, तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
की मैदान इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। लंबे समय से चलती आ रही इस फिल्म को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना है, मगर रिलीज से पहले ये फिल्म एक और मुसीबत में गिर गई है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत कैमरा वेंडर्स की तरफ से करवाई गई है। उनका आरोप है कि बोनी ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। बोनी कपूर के खिलाफ ये शिकायत निनाद न्यामपली नाम के शख्स ने की है। वो कैमरा वेंडर है जो कैमरे और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, उन्होंने मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की है। साथ ही मुंबई सिविल कोर्ट में ये अपील भी किया कि मैदान की रिलीज पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उनका पैसा उन्हें मिल नहीं जाता। निनाद ने मिड्डे से बात करते हुए बताया कि बोनी कपूर और उनकी टीम ने फिल्म की शूटिंग के लिए कैमरे से जुड़े कुछ उपकरण लिए थे। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि शुरुआत में उनकी तरफ से भेजे जाने वाले पैसे और इनवॉइस में कुछ समस्या नहीं थी, मगर दिसंबर 2020 के बाद उनकी पेमेंट रोक दी गई। निनाद ने इस विषय पर बोनी कपूर से बात भी की। बोनी ने उस वक्त निनाद को दिलासा भी दिलाया था कि उनकी बची हुई पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी, मगर बाद में उनके करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद वेंडर्स ने मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने लीगल रास्ता अपनाया और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्हें अभी तक लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं मिला। उनकी रिकवरी के लिए उनके पास यही एक रास्ता बचा था। निनाद की कंपनी के एक और शख्स एसिया धनपाल जेवियर ने भी बात की है। कहा है कि मैदान के प्रोड्यूसर ने उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि रिलीज से पहले उनका जो भी अमाउंट ड्यू है वो उन्हें चुका देंगे, मगर इसके बजाय प्रोड्यूसर के और उनकी टीम ने उनसे बातचीत ही बंद कर दी, उनके मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिया। निनाद की तरफ से कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी दिए गए हैं जिसमें बोनी कपूर ने उनसे बातचीत की है, जिसमें वेंडर अपने पेमेंट की डिमांड करते दिख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बोनी कपूर की तरफ से भी जवाब आया था। उन्होंने कहा था कि 63 लाख रुपए का बकाया किया है, 1 करोड़ का नहीं। बोनी कपूर ने यह भी कहा कि उनकी टीम से बात हुई है, निनाद और उनकी टीम को फिल्म रिलीज से पहले उनके सारे बचे हुए पैसे दे दिए जाएंगे, जिसमें अभी 1 महीना बचा हुआ है। सिर्फ उन्हीं से नहीं कि बल्कि बाकी वेंडर से भी हमने ये वादा किया है कि रिलीज से पहले सभी की पेमेंट्स पूरी कर दी जाएंगी। सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से ये फिल्म सालों लटकी रही। बोनी ने 45 फिल्में बनाई हैं और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी की पेमेंट छूटी हो, ये कुछ नहीं बस बातों को घुमाया जा रहा है। जो भी बिल है वो उसे क्लियर कर देंगे, वो ब्याज के साथ। बाकी उनके नोटिस का जवाब बोनी डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। खैर, मैदान 2024 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मैदान के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई है। अजय देवगन भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रियमणि और गजराज राव भी दिखेंगे। आपको फिल्म का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान का दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है और उस गाने का टाइटल है टीम इंडिया है हम, जो बेसिकली एक एंथम सॉन्ग है जो इंडियन एथलीट्स को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने 1952 से 62 के दौर में फुटबॉल के उस गोल्डन एरा के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की थी। और 2 मिनट 48 सेकंड के इस गाने में हमें फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर निभाने वाले अजय देवगन और उनकी फुटबॉल टीम नजर आती है। तो गाने की शुरुआत में हम एक बड़ा सा स्टेडियम गूंजता हुआ देखते हैं और फिर हमें सुनाई देती है 2 लाइनें, जान ले लो हमारी फिर देखेंगे कल से, डर को जाके बोल दो डर भी डरता हमसे। और ये हमें सुनाई देता है इंडियन फुटबॉल टीम के एक प्लेयर के मुंह से जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। और फिर फ्रेम बाय फ्रेम हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ये लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपनी फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। जहां बीच बीच में हमें इनकी धूप और बारिश में चल रही ट्रेनिंग की झलक दिखती है और अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ फुटबॉल मैच भी दिखाई जाती है, जहां कभी सामने वाली टीम ने येलो कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं तो कभी रेड कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं और इंडियन टीम को स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ दिखाया गया है, जहां ये बंदे सामने वाली टीम को चकमा देकर हरा देते हैं। और इन सबको मैदान में मोटिवेट करने के लिए होते हैं इनके फुटबॉल कोच यानी कि हमारे अजय देवगन। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी फिल्म में सैयद अब्दुल रहीम जो फुटबॉल टीम बनाते हैं उसमें कोई ट्रेंड खिलाड़ी नहीं होते हैं, उसमें तो झोपड़पट्टी से बिलोंग करने वाला एक लड़का भी होता है। और इसीलिए हमें गाने के बीच में एक कमेंट्री सुनने को मिलती है कि भारत की टीम को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि टीम के 7-8 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार खेल रहे हैं। तो ये सब किसका नतीजा है? ये नतीजा है उनके हार्ड वर्क और उन्हें मोटिवेट करने वाले उनके बैकबोन का यानी उनके फुटबॉल कोच का। और इस गाने के एंड में अजय अपनी टीम से कहते हैं, सोच एक समझ एक दिल एक दिमाग एक।
आज मैदान में उतरना 11 पर दिखना 1, यानी तुम 11 प्लेयर्स जरूर हो पर मैदान में तुम्हारी यूनिटी दिखनी चाहिए। वैसे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि डायलॉग बोलते हुए अजय के खड़े रहने का अंदाज काफी अलग है। वो थोड़े बेंट होकर खड़े हैं, सीधा चौड़ा करके खड़े नहीं है, क्योंकि रियल फुटबॉल कोच रहीम भी ऐसे ही खड़े रहते थे। वैसे इस गाने को आवाज दी है AR रहमान और नकुल अभयंकर ने, और गाने को म्यूजिक दिया है AR रहमान ने ही, जिन्होंने 4 अटेम्प्ट्स के बाद ये गाना तैयार किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कोविड के दौरान ही कर दी थी। बस तो मैदान का ये मोटिवेशनल सॉन्ग आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजीत देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान बड़े मियां छोटे मियां के साथ क्लैश करने जा रही है। अब ये तो ठीक है, पर बड़े मियां के कंपैरिजन में मैदान की ओपनिंग को लेकर कम प्रेडिक्शन है। जैसे बड़े मियां के लिए 30 से 35 करोड़ का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, तो मैदान के लिए 17 से 18 करोड़ का। इसका मतलब कि अजय की अच्छी ओपनिंग देने वाली टॉप 5 फिल्मों में मैदान तीसरी पोजीशन पर हो सकती है। जैसे इससे पहले सिंघम रिटर्न्स ने 32.09 करोड़ की ओपनिंग दी थी, गोलमाल अगेन 30.14 करोड़ रुपीस, टोटल धमाल 16.50 करोड़ रुपीस, दृश्यम 215.38 करोड़ रुपीस और तानाजी द अनसंग वॉरियर 15.10 करोड़ रुपीस। पर द अजय देवगन की फिल्म के लिए ये ओपनिंग थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, उनकी इस साल रिलीज हुई शैतान ने 14 करोड़ की ओपनिंग दी थी, पर ये एक स्मॉल बजट फिल्म थी, पर मैदान तो 300 करोड़ में बनी है। ऐसे में आंकड़े तो यहाँ पर बड़े होने ही चाहिए। हाँ, क्लैश की वजह से ये हो सकता है, पर धीरे धीरे कमाल भी तो हो सकता है। पर अगर मैदान से पहले कुछ स्पोर्ट्स फिल्में देखें तो उसमें अक्षय की गोल्ड ने 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, आमिर खान की दंगल ने 29 करोड़ की, सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने 20 करोड़ की, हालांकि रणवीर सिंह की 83 ने 12 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अब ऐसी फिल्मों में आप ऑडियंस को किस तरह से इमोशनली इंगेज रखते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक देशभक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इमोशंस हाई होने ही चाहिए, हर सीन देखते हुए ना गूज़बम्प्स आने चाहिए, एक अलग एनर्जी चाहिए, फिल्म इंस्पायर करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बाकी फिल्में ना ये सब कुछ कर चुकी है, पर स्पोर्ट्स और फिल्मों के लिए इतना बजट नहीं लगता है। ये सारी फिल्में 100 करोड़ से कम के बजट में बनी है, पर मैदान के लिए 300 करोड़ रुपए बहाए है जी स्टूडियोज ने, क्योंकि वो किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे, इसलिए टेंशन थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है बजट वसूल करने की। पर अगर मैदान हमें इमोशनली कनेक्ट और इंगेज रख पाए तो वो अच्छी खासी ओपनिंग दे सकती है। पर ये कम प्रोडक्शन इसलिए भी हो रही है क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, मतलब चलते एक्शन ट्रेंड के लिए ये बेंचमार्क सेट करने के मूड में है, तो काफी ट्रेंडिंग है और ऑडियंस को एक्शन फिल्में अभी फिलहाल तो पसंद आ रही है, उसमें भी टेक्नोलॉजी एंगल है। हाँ, बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पर फिर भी ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए, फैंस एक्साइटेड है क्योंकि इससे अक्षय और टाइगर दोनों के फैंस जुड़े हुए हैं। अब मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और मैदान की कहानी यूनिक तो नहीं है, एक कोच का टीम बनाने का स्ट्रगल है, करो या फिर मरो वाली सिचुएशन है और फाइनली देश के लिए कोई मेडल जीतना है, और ऐसा प्लॉट हमने पहले भी देखा है। पर अजय की फिल्म है ये और टीजर ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी हो और लोग इससे इम्प्रेस हो जाएं। वैसे आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। लीगल पचड़े में फंस सकते हैं बोनी कपूर, अजय देवगन की मैदान की रिलीज पर फिर लगेगा रोक। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की गई है। अजय देवगन की मैदान इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। लंबे समय से चलती आ रही इस फिल्म को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना है, मगर रिलीज से पहले ये फिल्म एक और मुसीबत में गिर गई है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत कैमरा विंडोज की तरफ से करवाई गई है। उनका आरोप है कि बोनी ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। बोनी कपूर के खिलाफ ये शिकायत निनाद नयामपली नाम के शख्स ने की है। वो कैमरा वेंडर हैं जो कैमरा और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, उन्होंने मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की है। साथ ही मुंबई सिविल कोर्ट से ये अपील भी की है कि मैदान की रिलीज पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उनका पैसा उन्हें मिल नहीं जाता। बोनी कपूर और उनकी टीम ने फिल्म की शूटिंग के लिए कैमरे से जुड़े कुछ उपकरण लिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि शुरुआत में उनकी तरफ से भेज देने वाले पैसे और इनवॉइस में कोई समस्या नहीं आई थी, मगर दिसंबर 2020 के बाद उनकी पेमेंट रोक दी गई। निनाद ने इस विषय पर बोनी कपूर से बात भी की,
पर बोनी ने उस वक्त निनाद को दिलासा भी दिलाया था कि उनकी बची हुई पेमेंट क्लियर कर दी जाएगी, मगर बाद में उनकी करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद वेंडर ने मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का निर्णय लिया है। निनाद ने मीडिया से ये बताया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, हमने लीगल रास्ता अपनाया और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हमें अभी तक लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं मिला है। हमारी रिकवरी के लिए हमारे पास यही एक रास्ता बचा था। निनाद की कंपनी के एक और शख्स धनपाल जेवियर ने भी मीडिया से बताया, कहा, मैदान के प्रोड्यूसर ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि रिलीज से पहले हमारा जो भी बकाया है और उनके चुका देंगे, मगर इसके बावजूद प्रोड्यूसर और उनकी टीम ने हमसे बातचीत ही बंद कर दी, हमारे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। निनाद की तरफ से कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी दिए गए हैं जिसमें मोनी कपूर ने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें वेंडर अपने पेमेंट की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। इस पर मुद्दे पर बोनी कपूर की तरफ से भी जवाब आया था। उनका कहना था कि उनकी तरफ से 63 लाख रुपए का बकाया है, 1 करोड़ का नहीं। मीडिया से बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा, मैंने मेरी टीम से बात की है, निनाद और उनकी टीम को फिल्म रिलीज से पहले उनके सारे बचे हुए पैसे दे दिए जाएंगे, जिसमें अभी 1 महीना बचा हुआ है। सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि बाकी वेंडर्स से भी हमने ये वादा किया था कि रिलीज से पहले सभी की पेमेंट्स पूरी कर दी जाएंगी। सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से ये फिल्म सालों सालों लटकी रही। बोनी ने आगे जोड़ा, मैंने 45 फिल्म्स बनाई हैं और कभी भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी की पेमेंट छूटी हो या कुछ नहीं, बस बातों का घुमाया जा रहा हो। जो भी बिल है उसे क्लियर कर दूंगा, वो भी बयास के साथ, बाकी हम उनके नोटिस का जवाब कोर्ट में देंगे। खैर, मैदान 2024 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मैदान के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई थी। अजय देवगन भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रीमणि और गजराज राव भी दिखेंगे। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल माहौल है। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अजय देवगन की मैदान पिछले 4-5 सालों से फंसी हुई है। इतनी रिलीज डेट आई, बस मूवी ही नहीं आई। अब फाइनली 2024 पर मूवी सिनेमा घरों में उतरने जा रही है। रिलीज से पहले डायरेक्टर अमिताभ शर्मा ने एक इंटरव्यू में बातचीत की। उन्होंने बताया कि रिलीज से 2 महीने पहले मूवी की स्क्रीनिंग क्यों रखी गई। बीते 28 फरवरी को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मैदान की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेड एनालिस्ट थे। अमित से पूछा गया कि मूवी की रिलीज से इतना पहले स्क्रीन करने का भरोसा कैसे आता है। उनका कहना था, मूवी के हर डिपार्टमेंट में लोगों ने बढ़िया काम किया है। इस मूवी पर जितने लोगों ने काम किया है वो अपने आप में ही स्टार है। कुछ दिन पहले वो अपनी टीम से पूछ रहे थे कि एंड क्रेडिट्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है। टीम ने एक मेंबर ने कहा, टाइम तो लगेगा, कितने सारे नाम जो हैं। डायरेक्टर ने पूछा कितने नाम हैं, तब उन्होंने बताया कि मूवी पर 3500 लोगों ने काम किया है और उन्हें उन नामों को उनकी सही जगह देनी ही होगी। डायरेक्टर उस समय मिक्सिंग स्टूडियो में थे और कंप्यूटर बार बार बंद पड़ रहा था। उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, आपकी मूवी बहुत बहुत बड़ी है, और आगे कहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस कंप्यूटर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हैवी फाइल को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। एडिटर ने जवाब दिया कि कंप्यूटर एकदम करेक्ट है, लेकिन आपकी मूवी में 1300 आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसी इंटरव्यू में अमित से पूछा गया कि मूवी को रिलीज़ होने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच 65% शूटिंग हो चुका था। उसके बाद कोविड-19 आ गया। उन्होंने बताया कि मैदान में इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, इसलिए उन्हें लाने में भी वक्त लगा। खैर, अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो मैदान को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय। आ रही है फिर से एक ऐसी फिल्म जिसका हर एक पल गूज बम्स से भरा हुआ है और जिसे देखने के बाद हम भी आखिर में इंडिया इंडिया करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की इस साल की पहली फिल्म मैदान के बारे में, जिसका आज फाइनल ट्रेलर आ चुका है। और इस ट्रेलर को हम एक कंप्लीट ट्रेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने हमें पूरी फिल्म से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका एक अच्छा और एक्साइटिंग व्यू दिया है। ट्रेलर में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो थ्रिलिंग थे, और एक बात तो है, जब भी अजय एक सीरियस मोड में चले जाते हैं तब वो फिल्म एक नंबर की होती है। और इस बार अजय को एज फुटबॉल कोच साहिद अब्दुल रहीम के तौर पर देखना और भी ज्यादा
ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो दोनों ट्रेलर्स आए हैं ना, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अजय 1950s के एरा में चले गए हैं और अब्दुल रहीम ही बन चुके हैं। साथ ही इस ट्रेलर ने हमें ए आर रहमान के दिल को छू जाने वाले म्यूजिक की भी अच्छी ग्लिम्स दी है। और खास तौर पर टीम इंडिया है हम वाला जो लास्ट में पार्ट था वो सबसे बेहतरीन था, और उसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी पूरा सिंक में है। अगर टिपिकली बात करूं अजय देवगन के 1950s के लुक पे और उनकी एक्टिंग पे, तो आई मस्ट से कि अजय देवगन एक परफेक्ट फिट हैं इस रोल के लिए। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रेलर में जो नेवर गिविंग अप का जो कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो आई मस्ट से कि अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और अगर आप एक फुटबॉल एडमायरर हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। इमोशनल टच के साथ साथ भरपूर ड्रामा और द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली जस्टिफाई दिया गया है। इसके साथ ही मैदान में हम हमारी इंडियन फुटबॉल टीम की और अब्दुल रहीम की जर्नी को सिर्फ इंडिया के लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने वाले हैं, और उन्हें जो गो बैक इंडिया या इंडिया से निकालो जैसे शब्द सुनने पड़े वो भी देखने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से एक बार हारने के बाद हमारी टीम इंडिया फिर खड़ी उठती है। इसके साथ ही इस ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है कि हम फिल्म में इस पॉलिटिकल इश्यूज या फोर्स भी देखेंगे। और जब अजय बोलते हैं मुझे तो लगा आज हम हिंदुस्तान की बात करने वाले हैं, लेकिन आप तो अभी भी बंगाल और हैदराबाद में ही अटके पड़े हैं। सिर्फ इसी डायलॉग से ही ऐसा कहा जा सकता है कि हम इसमें अब्दुल रहीम के बड़े ऑफिसर्स होने वाली लड़ाई भी देखेंगे। इसके साथ ही अजय तो इस फिल्म के गोल्डन हीरो हैं ही, लेकिन फुटबॉल टीम के जो सारे प्लेयर्स जिन्होंने वो हर एक कोने से ढूंढ लाने वाले को वो भी काफी सतरंगी होने वाला है, और उनका ये प्लेयर हंट भी फिल्म का एक अहम और दिलचस्प हिस्सा होगा, और इस टीम को अपने कोच के साथ रिश्ता भी फिल्म की हाईलाइट होने वाला है। इन शॉर्ट इस ट्रेलर से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी काफी अच्छी होने वाली है और फुटबॉल लवर्स के लिए तो काफी स्पेशल होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग। अजय देवगन की अपकमिंग मूवी मैदान इज सेट टू हिट थिएटर्स ऑन 10th April, और इस साल की ईद को और स्पेशल बनाने के लिए इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और जी स्टूडियोज ने फैसला किया है कि वो मूवी को आईमैक्स फॉर्मेट में भी रिलीज करेंगे। अब आईमैक्स फॉर्मेट तो इंडियन सिनेमा में फिल्मों को रिलीज करने का एडवांस टेक्निक बन चुका है, जो कि ऑडियंस को एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है। ऐसे में अब मैदान भी आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, और ये दूसरी बॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होगी जो फॉर्मेट में रिलीज हो रही है। और अगर ये मूवी आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है तो अजय देवगन की तीसरी मूवी होगी मूवी RRR और भोला के बाद। पर मैदान का क्लैश तो बड़े मियां छोटे मियां जैसी एक्शन एंटरटेनर मूवी के साथ हो रहा है, और क्योंकि ये इस साल की बिग बजट एक्शन एंटरटेनर मूवी है इसलिए इसे आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज करना जरूरी समझा जा रहा है। इसका मतलब अब ये अक्षय कुमार की चौथी आईमैक्स रिलीज मूवी होगी फिल्म गोल्ड, सम्राट पृथ्वीराज और 2.0 के बाद। वैसे ही अजय और अक्षय ने एक दूसरे को एचरेक्ट कह दिया है कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम, पर ये मुकाबला बहुत ही डिफिकल्ट है। पर दो बड़ी फिल्मों का एक साथ एक ही दिन रिलीज होना आईमैक्स फॉर्मेट में ये हैरानी की बात है। और ये चमत्कार अक्षय और अजय कर रहे हैं जिनके ऊपर इस साल बॉलीवुड की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ही दिन रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्मों को आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज करना अलाउड नहीं है। अब प्रभास की मूवी आदि पुरुष भी आईमैक्स स्क्रीन पर ही रिलीज होने वाली थी पर वो हुई नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट हॉलीवुड फिल्म दी फ्लैश थी। रणवीर सिंह को भी अपनी मूवी 83 को आईमैक्स फॉर्मेट में ही रिलीज करना था, पर सामने स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 एंड दी मैट्रिक्स रिसरेक्शंस जैसी दो हॉलीवुड फिल्में खड़ी थी। पर इस मामले में सलमान खान ने हॉलीवुड वालों को घुटने पर बिठा दिया। उनकी मूवी टाइगर 3 के सामने दी मावर्स नाम की मूवी थी, पर ज्यादा से ज्यादा आईमैक्स स्क्रीन्स पर टाइगर ने कब्जा जमा दिया। वैसे ये तो बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड मुकाबला था, पर अभी यहाँ पर दो बॉलीवुड स्टार्स की ही स्क्रीन सामने सामने है। वैसे इंडिया में बड़े मियां छोटे मियां को 5000 स्क्रीन्स मिल सकती है, वहीं मैदान को 2000। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मैदान को लेकर, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। मैदान में जाना 11 लेकिन दिखना 1, फुटबॉल के आर्किटेक्चर कहे जाने वाले सैयद अब्दुल रहीम ने दी थी अपने प्लेयर्स को बस यही सीख। वन मैन वन हार्ट वन बिलीफ पर बेस्ड है मैदान की कहानी। अजय देवगन ने एक बार फिर गोल कर दिया, और इसमें उन्हें लंबे हाइट वाले गोलकीपर की भी जरूरत नहीं पड़ी।
मैदान का ट्रेलर आया और हमें ले गया 1952 से 1962 के उस गोल्डन एरा में जब इंडिया को कोई नहीं जानता था, जानते थे तो बस फुटबॉल को, जिसके जरिए इंडिया को वेल नोन कंट्रीज में जाना जा सकता था। और इसी पर जुआ खेला सैयद रहीम ने और बना डाली एक ऐसी टीम जिसके रगों में खून नहीं फुटबॉल दौड़ता था। ये नहीं देखा कि उन्होंने वो कहां से हैं। ट्रेलर के डायलॉग से लेकर उसके डायरेक्शन तक सब टॉप नॉच काम हुआ है, लेकिन जिसने ट्रेलर में जान डाली वो है कॉस्ट्यूम्स और सेट। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो अजय की कॉस्ट्यूम को बहुत सादा और उस टाइम के हिसाब से बेल बॉटम रखा गया है। 1952 के दौर में बेल बॉटम बहुत ट्रेंड में था। कीर्ति कोलवंकर ही है वो आर्टिस्ट जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स पर काम किया है। ट्रेलर को रियलिस्टिक बनाने में और उस दौर में भेजने में उन्होंने ही हेल्प की है। इससे पहले इन्होंने अजय की दृश्यम शिवाय की कॉस्ट्यूम्स पर भी काम किया है। अब बात करें सेट डिजाइनिंग की तो ट्रेलर में एक ट्रेन दिखी जो उस समय की कोयले पर चलने वाली ट्रेन जैसी है। घरों और मुंबई कोलकाता के सीन्स को काफी टिपिकल रखा गया है, जैसे 1952 से 1962 के बीच हुआ करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसी बीच जिसने ट्रेलर में ध्यान खींचा वो है एआर रहमान का म्यूजिक। इंडिया है हम, इंडिया है हम, नो डाउट ये गाना थिएटर में गूज बम्प्स और सीटियां बजाने वाला है। बात अब अजय द सुपरस्टार की करें तो लेजेंड भगत सिंह, ओमकारा, गंगा जल, तानाजी, दृश्यम जैसी हिट्स देने के बाद मैदान से फिर से सबको शॉक करने के लिए रेडी हैं। अजय सिनेमा का वो सिंघम है जिसकी एक्टिंग को कभी कोई दाग नहीं लग सकता है। इन्हें चाहे किसी भी जॉनर में डाल दो, ये आपको शैतान जैसी मूवी में डर का एहसास भी करा देंगे, गोलमाल जैसी मूवी में हंसा भी देंगे और सिंघम में स्वैग से नचा भी देंगे। ट्रेलर देखने के बाद एक बात पक्की है, फिल्म फर्स्ट डे अच्छी ओपनिंग लेने वाली है। अजय ही मूवी के वो एक्स फैक्टर होने वाले हैं जो मूवी को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन मैदान इस साल अजय की तीसरी फिल्म होगी। इस फिल्म में प्रिया मनी और गजराज राव भी दिखेंगे। इससे पहले की जो दो मूवी हैं उनमें से एक तो आप जानते ही हैं शैतान, और कहा जा रहा है कि औरों में कहां दम था मैदान से पहले रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर नितिश तिवारी होंगे और उसके बाद आएगी सिंघम अगेन जिसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी होंगे। इसका क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से होगा। इन चार फिल्मों के बाद अजय की फिल्म रेड 2 भी आएगी। रेड 2 की रिलीज डेट 15 नवंबर होगी। फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं अजय देवगन की मूवीज के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आखिरकार नाना करते हुए भी ना अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान अपने ट्रेलर के बाद अच्छी खासी चर्चा में आ चुकी है, और चर्चा में आनी भी चाहिए क्योंकि अब तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ये होने वाली है। पूरे 300 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वैसे सिर्फ बजट वसूल हो जाए इसलिए इस फिल्म को कमाल करके नहीं दिखाना है, बल्कि काफी लंबे अरसे के बाद फुटबॉल पर कोई फिल्म आ रही है और अपने करियर में पहली बार अजय देवगन को इस स्पोर्ट्स ड्रामा प्लस बायोपिक जॉनरा को आजमा रहे हैं। अब जिस तरह से चकदे से शाहरुख खान ने पहली बार स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनरा को आजमाया था, ठीक उसी तरह से अब बॉलीवुड में ना अधिकतर फोकस क्रिकेट बेस्ड फिल्मों पर रहा है। ऐसे में ना बीच में फुटबॉल बेस्ड फिल्में बनी ही नहीं थी, पर इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि फुटबॉल पर आज तक कोई फिल्म बनी ही नहीं है। 1984 में बनी प्रकाश झा की फिल्म हिप हिप हुर्रे ये बॉलीवुड की पहली फुटबॉल फिल्म कहलाई जाती है, और उस फिल्म को ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। उस जमाने में ये काफी पॉपुलर हुई थी। फिल्म में एक स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है ताकि बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। जैसे मैदान में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं, जिनका सपना होता है कि इंडिया की ना एक फुटबॉल टीम बनाकर वो इंडिया का नाम ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करे। पर 1999 में आई द गोल, इसमें अनुपम खेर फुटबॉल कोच बने थे और उसमें थोड़ा सा जातिवाद भी दिखाया गया था, वहां भी टीम प्लेयर्स को लेकर ना प्लॉट दिखाया गया था। अब इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद 2007 में जॉन अब्राहम की धन धना धन गोल आई, पर वो बॉक्स ऑफिस बना बुरी तरह से पिट गई। उसके बाद साल 2009 में फिल्म सिकंदर आई, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर पर बनी फिल्म थी, पर वो भी कुछ खास चल नहीं पाई और वो किसी को शायद याद भी नहीं होगी। उसके बाद साल 2022 में अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड आई थी, जिसमें की वो स्पोर्ट्स प्रोफेसर होते हैं और गरीब बच्चों की फुटबॉल टीम बनाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों अमिताभ जैसा बड़ा नाम होने के बावजूद बिना ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके लिए फिल्म की लेंथ को लेकर ना एग्जीक्यूशन तक कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल बताई गई थी,
तो ऐसी कुछ फिल्में जरूर है, पर झूम छोड़कर क्या बाकी फिल्में हमें पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। इवन जॉन की फिल्म भी किसी को याद होगी इस पर भी मुझे डाउट है। ऐसे में लंबे अरसे बाद फुटबॉल बेस्ड ना एक फिल्म मैदान आ रही है और मैदान को बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा, अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा और ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि फुटबॉल पर बनी फिल्में भी ना अपने कंटेंट स्पोर्ट्स इमोशंस के जरिए ऑडियंस को उतनी ही एंटरटेन कर सकती है जितनी क्रिकेट या फिर हॉकी पर बनी फिल्में। तो यहाँ अजय को बॉक्स ऑफिस मैदान में जमकर किक मारनी पड़ेगी, जिस तरह से शाहरुख खान ने चकदे से मारी थी, आमिर खान ने लगान से मारी और सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म एमएस धोनी से मारी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अजय इसमें कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान के ट्रेलर के बाद सबके अंदर फिल्म देखने का जोश नजर आ रहा है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। 1952 से 1962 की टाइमलाइन की फुटबॉल की गोल्डन एरा और फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम की जिंदगी पर ये फोकस करती है और इस पे फुटबॉल कोच बने हैं हमारे अजय देवगन। पहले एक वीडियो में हमने आपसे फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर बात की थी। स्क्रीन प्ले पावरफुल होना कितना जरूरी है ये मैंने आपको बताया था, पर एक अच्छे स्क्रीन प्ले में पावरफुल डायलॉग्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा और पैट्रियोटिक फिल्मों में डायलॉग्स की रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो स्टोरी को अपने तरीके से आगे लेकर जाते हैं। मैदान के टीजर में हमने डायलॉग सुना था, मैदान पर जा रहे वो इन 11 दिखना एक, ये प्लेयर्स की यूनिटी को प्रेजेंट करने वाला डायलॉग है और ऐसे डायलॉग्स ऑडियंस ना फिल्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि ऐसे डायलॉग सबके अंदर ना देशभक्ति वाली भावना जगाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इस मामले में शाहरुख खान की चंपी इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चंपी इंडिया आज भी हम सबको इसलिए भी याद है क्योंकि इसके डायलॉग्स आज भी बिल्कुल फ्रेश और क्लासिक लगते हैं। शाहरुख खान का वो 70 मिनट वाला मोनोलॉग, आखिर के 70 मिनट है तुम्हारे पास, वो मोनोलॉग ना ऑडियंस को आज भी याद है। ये दिमाग को ना हिट करने वाला डायलॉग था। एक और डायलॉग जैसे मुझे एक लौंडे को दिखाना है कि लौंडिया क्या कर सकती है, ये आपके अंदर ना जोश लाता है, एनर्जी लाता है और ऐसे डायलॉग पर थिएटर्स में सीटियां और तालियां सुनाई देती ही है। तो फिल्म के डायलॉग्स ऐसे ही होने चाहिए जो फिल्म में प्लेयर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ बाहर उस फिल्म को देख रही ऑडियंस को भी ना मोटिवेट करे, उनके अंदर का जोश निकाले और ऐसे डायलॉग्स मैदान में होने की बहुत जरूरत है। अब मैदान के डायलॉग्स तो लिखे हैं डायलॉग राइटर रितेश शाह ने। रितेश शाह ये एक बहुत ही पॉपुलर और अवार्ड विनिंग डायलॉग राइटर है जिन्होंने इससे पहले ANF 4, धाकर, रेड, पिंक, कमांडर जैसी कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें से पिंक फिल्म के डायलॉग्स काफी ब्रिलियंट माने जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के मुंह से सुने डायलॉग नो मतलब नो, या फिर अकेले इंडिपेंडेंट लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती है। ऐसे डायलॉग्स पर ना आपकी एक सीरीज तो बनती ही है और इससे आप रिलेट भी करते हो। तो इनकी डायलॉग राइटिंग की पावर है, पोटेंशियल है। वैसे इनके साथ सिद्धांत भी जुड़े हैं जो कि डायलॉग राइटर हैं जिन्होंने हसीन दिलरुबा जैसी पॉपुलर ODT वेब सीरीज के डायलॉग्स लिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैदान जो कि एक स्पोर्ट्स जॉनरा के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिल्म भी है, वहां पर इस डुओ के डायलॉग्स काफी कमाल के हो और बिल्कुल चकदे इंडिया की तरह धमाल मचा दे। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मैदान से अभी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान के ट्रेलर के बाद सबके अंदर फिल्म देखने का जोश नजर आ रहा है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। 1952 से 1962 की टाइमलाइन की फुटबॉल की गोल्डन एरा और फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम की जिंदगी पर ये फोकस करती है और इस पे फुटबॉल कोच बने हैं हमारे अजय देवगन। पहले एक वीडियो में हमने आपसे फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर बात की थी। स्क्रीन प्ले पावरफुल होना कितना जरूरी है ये मैंने आपको बताया था, पर एक अच्छे स्क्रीन प्ले में पावरफुल डायलॉग्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा और पैट्रियोटिक फिल्मों में डायलॉग्स की रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो स्टोरी को अपने तरीके से आगे लेकर जाते हैं। मैदान के टीजर में हमने डायलॉग सुना था, मैदान पर जा रहे वो इन 11 दिखना एक, ये प्लेयर्स की यूनिटी को प्रेजेंट करने वाला डायलॉग है और ऐसे डायलॉग्स ऑडियंस ना फिल्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि ऐसे डायलॉग्स सबके अंदर ना देशभक्ति वाली भावना जगाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इस मामले में शाहरुख खान की चंपी इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चंपी इंडिया आज भी हम सबको इसलिए भी याद है क्योंकि इसके डायलॉग्स आज भी बिल्कुल फ्रेश और क्लासिक लगते हैं। शाहरुख खान का वो 70 मिनट वाला मोनोलॉग, आखिर के 70 मिनट है तुम्हारे पास, वो मोनोलॉग ना ऑडियंस को आज भी याद है। ये दिमाग को ना हिट करने वाला डायलॉग था। एक और डायलॉग जैसे
मुझे एक लौंडे को दिखाना है कि लौंडिया क्या कर सकती है। ये आपके अंदर ना जोश लाता है, एनर्जी लाता है और ऐसे डायलॉग पर थिएटर में सीटियां और तालियां सुनाई देती ही है। तो फिल्म के डायलॉग्स ऐसे ही होने चाहिए जो फिल्म में प्रियस को मोटिवेट करने के साथ साथ बाहर उसको देख रही ऑडियंस को भी ना मोटिवेट करे, उनके अंदर का जोश निकाले। और ऐसे डायलॉग्स मैदान में होने की बहुत जरूरत है। अब मैदान के डायलॉग्स तो लिखे हैं डायलॉग राइटर रितेश शाह ने। रितेश शाह ये एक बहुत ही पॉपुलर और अवार्ड विनिंग डायलॉग राइटर है जिन्होंने इससे पहले AN Left Force, धाकर, रेड, पिंक, कमांडर जैसी कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें से पिंक फिल्म के डायलॉग्स काफी ब्रिलियंट माने जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के मुंह से सुने डायलॉग नो मतलब नो, या पर अकेले इंडिपेंडेंट लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती है। ऐसे डायलॉग्स पढ़ना आपकी एक सीरीज तो बनती ही है और इससे आप रिलेट भी करते हो। तो इनकी डायलॉग राइटिंग की पावर है, पोटेंशियल है। वैसे इनके साथ सिद्धांत भी जुड़े हैं, जो कि डायलॉग राइटर हैं जिन्होंने हसीन दिलरुबा जैसी पॉपुलर ODT वेब सीरीज के डायलॉग्स लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स जॉनर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिल्म भी है, वहाँ पर इस डुओ के डायलॉग्स काफी कमाल के हो और बिल्कुल चकदे इंडिया की तरह धमाल मचा दे। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मैदान से, अभी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी बनाऊं कि चार लोगों को किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। वेल, ऐसी ही फिल्मों में से एक है हाल ही में रिलीज होने वाली अजय देवगन स्टारर मैदान। फिल्म 1952 से 1962 तक यानी फुटबॉल के 10 साल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। आपको बता दें कि अजय देवगन इस फिल्म में साहिद अब्दुल रहीम के किरदार निभाते नजर आएंगे, जिनकी फुटबॉल की दुनिया में अलग ही पहचान है। उन्होंने अपने खेल के हुनर से भारत का नाम भी रोशन किया। खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने इंडियन टीम के कोच की जिम्मेदारी भी संभाली है। 1951 से लेकर 1963 तक यानी जीवन के अंतिम सांस तक वे भारतीय टीम की सेवा में लगे रहे। वेल, फिल्म की बात करें तो 7 मार्च को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो फुल चक दे इंडिया वाइब्स है बॉस। अगर ट्रेलर को पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूं तो ट्रेलर की शुरुआत में अजय का एक डायलॉग है जिसमें अजय अपनी टीम को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फुटबॉल एकमात्र सहारा है उनकी पहचान बनाने का, मानना पड़ेगा। अजय अपने सीरियस पर्सनालिटी और मैच्योर लुक्स के साथ इन जी के इस सुपर डुपर कैरेक्टर को काफी जस्टिफाई कर रहे हैं। तभी तो जब ट्रेलर में पूरे जोश के साथ वो किक मारते हैं और बॉल दूसरे पार खड़े बच्चों के पास चली जाती है, तब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिल्म में कुछ लोग अजय के साथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनकी बीवी, उनके 11 बच्चों की टीम, मगर कुछ लोग उनके विपरीत भी खड़े हैं, कोशिशों पर डाउट करते हैं और ताना भी मारते हैं। तो इस मुसीबत के दौर के बाद अजय कहते हैं कि इंडिया अगर हार गई तो वह शायद ये कोच की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, मगर हम सब जानते हैं और वो भी जानते हैं कि उनकी अंतरात्मा तो एक ही चीज कहती है कि अब वक्त आ गया है दुनिया को करके दिखाने का। ट्रेलर में काफी स्पोर्टी माहौल नजर आ रहा है। कभी टीम मैदान में खेलती नजर आती है तो कभी टीम वी टीम इंडिया कहती नजर आ रही है। और ट्रेलर की बात करें तो फिल्म काफी मोटिवेटिंग लग रही है। क्रिकेट के दौर में फुटबॉल का जिक्र करना कोई आम बात नहीं बल्कि काफी बड़ी बात है। फिल्म जैसे अक्षय कुमार की गोल्ड, शाहरुख खान की चक दे इंडिया या फिर क्यों ना आमिर खान की दंगल ही हो, इन सारे फिल्मों में एक कोच यानी गुरु के पैशन को इतना ब्यूटीफुली ग्लोरीफाई किया गया है। कोच और टीम के रिलेशनशिप्स को भी बहुत खूबसूरती के साथ समझाया गया है। उनके रिश्तों में जितनी लगन और मेहनत है उनके रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को लेकर, उतना ही आपसी प्रेम भी है। फिल्म इतने बार रिलीज के वादे तोड़कर अब फाइनली रिलीज हो रही है ऑन द 10th of April 2024। तो आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टिल देन कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड। फिल्में ऐसी बनाओ कि चार लोगों को किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। वेल, ऐसी ही फिल्मों में से एक है हाल ही में रिलीज होने वाली अजय देवगन स्टारर मैदान। फिल्म 1952 से 1962 तक यानी फुटबॉल के 10 साल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। आपको बता दें कि अजय देवगन इस फिल्म में साहिद अब्दुल रहीम के किरदार निभाते नजर आएंगे, जिनकी फुटबॉल की दुनिया में अलग ही पहचान है। उन्होंने अपने खेल के हुनर से भारत का नाम भी रोशन किया। खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने इंडियन टीम के कोच की जिम्मेदारी भी संभाली है। 1951 से लेकर 1963 तक यानी जीवन के अंतिम सांस तक वे भारतीय टीम की सेवा में लगे रहे। वेल, फिल्म की बात करें तो 7 मार्च को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
फिल्म की ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो फुल चक दे इंडिया वाइब्स है बॉस। अगर ट्रेलर को पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूं तो ट्रेलर की शुरुआत में अजय का एक डायलॉग है जिसमें अजय अपनी टीम को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फुटबॉल एकमात्र सहारा है उनकी पहचान बनाने का। मानना पड़ेगा अजय अपने सीरियस पर्सनैलिटी और मैच्योर लुक्स के साथ इन जी के इस सुपर डुपर कैरेक्टर को काफी जस्टिफाई कर रहे हैं। तभी तो जब ट्रेलर में पूरे जोश के साथ वो किक मारते हैं और बॉल दूसरे पार खड़े बच्चों के पास चली जाती है तब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिल्म में कुछ लोग अजय के साथ नजर आ रहे हैं जैसे कि उनकी बीवी, उनके 11 बच्चों की टीम, मगर कुछ लोग उनके विपरीत भी खड़े हैं, कोशिशों पर डाउट करते हैं और ताना भी मारते हैं। तो इस मुसीबत के दौर के बाद अजय कहते हैं कि इंडिया अगर हार गई तो वह शायद ये कोच की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, मगर हम सब जानते हैं और वो भी जानते हैं कि उनकी अंतरात्मा तो एक ही चीज कहती है कि अब वक्त आ गया है दुनिया को करके दिखाने का। ट्रेलर में काफी स्पोर्टी माहौल नजर आ रहा है। कभी टीम मैदान में खेलती नजर आती है तो कभी टीम वी टीम इंडिया कहती नजर आ रही है। और ट्रेलर की बात करें तो फिल्म काफी मोटिवेटिंग लग रही है। क्रिकेट के दौर में फुटबॉल का जिक्र करना कोई आम बात नहीं बल्कि काफी बड़ी बात है। फिल्म जैसे अक्षय कुमार की गोल्ड, शाहरुख खान की चक दे इंडिया या फिर क्यों ना आमिर खान की दंगल ही हो, इन सारे फिल्मों में एक कोच यानी गुरु के पैशन को इतना ब्यूटिफुली ग्लोरिफाई किया गया है। कोच और टीम के रिलेशनशिप्स को भी बहुत खूबसूरती के साथ समझाया गया है। उनके रिश्तों में जितनी लगन और मेहनत है उनके रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को लेकर उतना ही आपसी प्रेम भी है। फिल्म इतने बार रिलीज के वादे तोड़कर अब फाइनली रिलीज हो रही है ऑन दी 10th of April 2024। तो आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टिल देन कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आखिर क्या कहा अजय ने अपने आप को लेकर? क्यों है अजय इतने वर्कहोलिक? क्या है लेटेस्ट अपडेट मैदान फिल्म को लेकर? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। भाई बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने आज से 32 साल पहले फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों छा गई थी। अपनी पहली ही फिल्म से मिली सफलता ने उन्हें देश भर में जबरदस्त पहचान दिलाई थी। पहली फिल्म के बाद दोस्तों अजय के हाथ में एक से बढ़कर एक फिल्में लगी। जिगर 1992, दिलवाली 1994, दिल जले 1996 और इश्क 1997, प्यार तो होना ही था 1998 और हम दिल दे चुके सनम 1999। दोस्तों ऐसी ही फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इन फिल्मों के बाद अब अजय को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म भोला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया है और लोगों को उनकी फिल्म काफी पसंद भी आई है। बता दें कि दोस्तों अब अजय मैदान फिल्म को लेकर बिल्कुल तैयार है। मैदान में जिस सीन में जो कमी रह गई थी दोस्तों अब वो पूरी हो गई है। आज हम आपको अजय से जुड़ी दोस्तों एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। ई टाइम्स पर प्रकाशित एक खबर के अनुसार अजय देवगन ने हाल ही में उस दौर के बारे में बात की जब वो 90 के दशक में आधा दर्जन से अधिक फिल्में करते समय एक्टिंग छोड़ना चाहते थे। दोस्तों उन्होंने कहा कि वो वर्कहोलिक रहे हैं और परिवार के साथ 2 दिन छुट्टी बिताने के बाद उन्हें तुरंत काम पर लौटने का मन किया करता था। दोस्तों उनका ये भी कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें वास्तव में अपने करियर के चरम पर फिल्मों से प्यार हो गया था। हाल ही में दोस्तों एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जब अजय से पूछा गया कि उन्होंने काम के लिए अपनी भूख को कैसे बनाए रखा है तो उन्होंने कहा कि ये जन्मजात है। बता दें दोस्तों कि मेकर्स ने इस फिल्म को लेकर जो गलती करी थी वो अजय ने ही ठीक करवाई है क्योंकि उन्हें फिल्म के कुछ सीन्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। अब दोस्तों एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक वक्त उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां वो रुकना चाहते थे क्योंकि वो अपने काम का आनंद नहीं ले पा रहे थे। उस समय गिल्ड ने एक नियम लागू किया था कि किसी भी अभिनेता को एक समय में 12 से अधिक फिल्मों में काम नहीं करना होगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कई फिल्में करना बंद कर दिया था और एक साल में केवल 2 से 3 फिल्में ही करने लगे थे वो। उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र चरण था जब वो काम करना बंद करना चाहते थे। अगर अजय ऐसा करते तो दोस्तों तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती और उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना अभिनय जारी रखा और देखते ही देखते दोस्तों लोगों के दिलों पर वो छा गए। अब उनकी अगली फिल्म मैदान कब रिलीज होती है ये तो अब हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं निखिल। क्यों हुए थे अजय परेशान? क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग? अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज।
बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनके फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं। उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम 4 शिफ्ट करते थे। हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी। अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों हुए थे अजय परेशान? क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग? अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनके फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था।
अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं, उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम 4 शिफ्ट करते थे, हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी। अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्यों हुए थे अजय परेशान? क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग? अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे? लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं, उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम 4 शिफ्ट करते थे, हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी।
अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। पर पोस्टपोन हो गई थक चुकी मूवी मैदान फाइनली मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसका टीजर भी देखा गया जो काफी इम्प्रेसिव था। इतना ही नहीं बल्कि टीजर को मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर भी कहा गया, जिसने पहले 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज हासिल किए और ओवरऑल 50 मिलियन व्यूज पाकर ये सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि पहली पोजीशन पर मूवी आदिपुरुष का हिंदी टीजर है जिसने 60 प्लस मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। पर कोई बात नहीं, इतना पोस्टपोन होने के बाद अचानक से ईद पर रिलीज होने का फैसला लेने वाली ये मूवी ऑडियंस की नजर में तो आ चुकी है। तो ये मूवी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है। वैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते हैं कि ये मूवी फुटबॉल के जरिए उतना इम्पैक्ट डाल सके जितना आमिर खान की मूवी लगान ने क्रिकेट के जरिए डाला था। अब लगान भी कुछ हल्के में नहीं बनी थी, क्रिकेट है मतलब ग्राउंड चाहिए, तो उस तरह से चीज़ों के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो है ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक फील, जो ऑडियंस को फील हो, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही सब मैदान के लिए करते वक्त बोनी कपूर की तो नींदें ही उड़ गई, मतलब शाहिद कपूर की फिल्म का वो गाना है ना, उड़ गए तोते तेरे तेरे तो उड़ गए तोते, वैसा ही कुछ हुआ। अब प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर के साथ और जी स्टूडियोज भी जुड़ चुका है, जिनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 और 60 करोड़ के बजट में बनाया गया। पर इस बार मैदान के लिए बजट कम ना हो ऐसा इन लोगों को लगा, क्योंकि गदर 2 के बाद इन्हें एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए, तो पैसा बहाते हुए इस मूवी के लिए इन्हें रियल मैदान चाहिए थी, कोई सेट नहीं, जिसके लिए 6 महीने के लिए एक मैदान लिया गया। पर फिर पेंडेमिक आया और शूटिंग नहीं हो पाई, और फिर भी प्रोड्यूसर को उसकी फीस देनी पड़ी, फिर साइक्लोन की सिचुएशन आई, ऐसे में भी बिना मतलब के रेंट देना पड़ा। और शूटिंग के दौरान ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए 500 क्रू मेंबर्स रहते थे, फिर उनका खर्चा, तो शूटिंग ना होते हुए भी रेंट भरते रहना, इसकी वजह से बोनी कपूर जी की नींद हराम हो चुकी थी। अब क्या करें, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं मैदान कैसी होगी, बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय बाय। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की आखिरी फिल्म थी भोला, जिसे आप रोज प्लस पर ना, पर उस सब की भरपाई करने का उनके पास ना एक बढ़िया मौका है, या यूं कहे कि ये साल तो बस अजय देवगन के ही नाम पर है, पर उनकी फिल्मों को लेकर टेंशन तो है, और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो अक्षय कुमार की हुई गलती को दोहरा तो नहीं रहे, जिससे कि अक्षय कुमार का नुकसान हो गया था। देखिए उनकी फिल्म मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें अजय प्ले करने वाले ने सैयद अब्दुल रहीम नाम की फुटबॉल कोच का किरदार, तो बेसिकली ये एक बायोपिक है। ये ईद पर रिलीज होने वाली है, और उसके साथ रिलीज होने वाली है अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। अब बड़े मियां छोटे मियां का हाइप तो सातवीं आसमान पर है, पर मैदान का वैसा कोई बज नहीं है, जबकि ये तो अजय देवगन की फिल्म है। अब इन सब के चक्कर में मैदान के पीछे रहने की चिंता तो होने ही वाली है, और उसका एक और रीजन ये है ना कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट का रिलीज और क्लैश, बैक टू बैक प्रोजेक्ट रिलीज करना ये अक्षय कुमार की आदत है, और उनकी केस में ऐसा देखा गया था, हमने ये चीज बार बार देखी, और वहाँ पर उन्हें पीरियड का सामना करना पड़ा। अब 2022 में ही देख लीजिए अक्षय की रक्षा बंधन 11 अगस्त को रिलीज हुई, और उसके एक महीने बाद कठपुतली रिलीज हुई, उसके एक महीने बाद अक्टूबर में राम सेतु रिलीज हुई, मतलब हर एक महीने में अक्षय कुमार की फिल्म थी। और बैक टू बैक प्रोजेक्ट जिसका कंटेंट तो अच्छा नहीं था, पर बैक टू बैक रिलीज के चलते मामला थोड़ा सा ना और गड़बड़ हो गया, उन्होंने क्लैश भी किया, और सामने अगर कोई बड़ी फिल्म हो तो जाहिर है कि ऑडियंस के पास ना ऑप्शन अवेलेबल है, और वो हर बार अक्षय की फिल्म पर पैसा थोड़ी ना खर्च करेंगे। अब अजय की इसमें भी यही चीज ना हो जाए, ये डर सबके मन में है। पर अभी देखे तो उनकी फिल्म शैतान 8 मार्च को रिलीज होने वाली है, फिर अप्रैल में उनकी फिल्म मैदान रिलीज होगी, फिर उसके 2 महीने बाद एक और फिल्म है, मतलब कि कभी गैप नहीं है, और बड़े मियां छोटे मियां के चलते लोग मैदान की ओर कितना जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। तो क्लास भी सही नहीं है, क्योंकि सामने वाली फिल्म अनदर लेवल पर है, इसका कंटेंट भी अच्छा होने वाला है और काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। और दो फिल्मों में ऐसी फिल्म को ऑडियंस पहले देखना पसंद करेंगी जिसका हाइप ज्यादा हो और जिसका कंटेंट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा हो, और फिलहाल मैदान की चर्चा उतनी है नहीं। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो ही ये फिल्म आगे अच्छी हो सकती है, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो ही दूसरी फिल्म को भी देखा जाएगा। तो मैदान वाले शायद ये भूल गए कि उन्हें कुछ करना चाहिए ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए।
वरना पता नहीं कहीं उनका बेड़ा गर्क ना हो जाए। तो अक्षय की तरह गलती करे या फिर कुछ और, पर अजय के पास फिल्म तो है और बैक टू बैक रिलीज करने का मौका भी है। बस थोड़ा सा प्रमोशन करना और फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस पर मैदान बड़ी ठोकरे खाकर अब जाकर रिलीज होने वाले हैं और इसकी प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जाह्नवी कपूर के करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना, उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी। पर जाह्नवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जाह्नवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है। वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया। और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर। पर फिल्म को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है। शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं। वैसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब कोविड ने सबकी जेब खाली करवाई ना तब OTT अपनी जेब भी भर रहा था। हाँ, पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं। एक ऐसे एरा को रिक्रिएट करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पर डाउट है क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फिल्म अदर लेवल की हो सकती है। और फिल्म का लेवल नॉर्मल नहीं है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है। दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स के चाहने वाले भी ना फिल्म से जुड़ जाते हैं। और क्या पता कोई पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर इसका प्रमोशन कर दे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है। इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है। साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कंपोज किए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कंपोज किए हैं वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स हैं और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं, ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में से थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ, पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है। तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पर मैदान उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर मैदान में बाजी मारेगी या फिर नहीं इस पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर बनी है जो कि ईद पर आएगी और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां वो भी इसी दिन आएगी। पर हम मैदान को लेकर ना चिंता हो रही है, हम इंटरनेट पर जितनी खबरें सुन रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं कहीं भी मैदान का जिक्र नजर नहीं आ रहा है, मतलब उसकी बात उतनी नहीं हो रही है जबकि इसकी शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। पर बड़े मियां छोटे मियां की जोरदार चर्चा है। अब इससे पहले भी अजय और अक्षय ने 9 बार मुकाबले किए हैं, उसमें से अगर हम आखिरी मुकाबला देखें जैसे कि अक्षय की राम सेतु वर्सेस अजय की थन बॉय, तो राम सेतु कलेक्शन के मामले में जीत गई 60 करोड़ के साथ और अजय की फिल्म ने कलेक्शन किया था बस 30 करोड़। अब इन दोनों का ही कलेक्शन बेकार है और दोनों का उतना हाइप भी नहीं था, थोड़ी बहुत बातें हुई थी किसी गाने की वजह से किसी न्यूज की वजह से, पर आज के एक्शन गाना स्टारकास्ट को लेकर जो हाइप बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पर अब जब अजय की गोलमाल 3 वर्सेस अक्षय की एक्शन रिप्ले आई थी तो क्लियर कट गोलमाल 3 जीत गई थी 100 करोड़ के साथ और उसका हाइप भी था क्योंकि फिल्म के कंटेंट कास्ट को लेकर एक्साइटमेंट थी और ये फिल्म के सक्सेस पे बहुत मैटर करता है। अब बड़े मियां वर्सेस मैदान के केस में बड़े मियां का 1000 करोड़ लेवल का हाइप है, वही मैदान को लेकर कुछ प्रेडिक्ट करना ना आसान नहीं है क्योंकि सामने से मेकर्स भी फैंस के दिलो दिमाग पर छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बड़े मियां में रियल एक्शन है तो अजय ने इस बायोपिक और रियल कैरेक्टर के लिए क्या क्या रियल किया है उसे लेकर मेकर्स को मतपूर्ण चर्चा करनी चाहिए थी। अगर मैदान वालों को ऑडियंस का ध्यान खींचना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा। फिर चाहे वो पोस्टर्स हो, कोई प्रमोशनल कंटेंट हो या फिर अजय की अपकमिंग फिल्म शैतान के साथ मैदान का ट्रेलर लाना हो, तब ना मजा आएगा, लोग जुड़ पाएंगे उस चीज से क्योंकि ऑडियंस को एक ही दिन डबल ट्रीट मिलेगी
और डेफिनेटली मैदान चर्चा में तो आएगी फिर। अब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर के क्या प्लान है वो तो भाई भगवान जाने, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें भी किसी ने अंदाजा लगाया है कि बस बोनी कपूर ही प्रमोशन कर सकते हैं क्योंकि अजय बाकी शूटिंग में बहुत बिजी है, तो ऐसे में मैदान का क्या होगा। होप्स की अजय प्रमोशन पे नजर आए क्योंकि फैंस उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और उनके बिना फिल्म की चर्चा नहीं हो पाएगी चाहे बोनी कपूर कितना भी ट्राई कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, ये तो जो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्या वो भी कोई स्ट्रैटेजी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी ये फिल्म 10 करोड़ भी कमा पाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसा है फिल्म को, वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आमिर खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना में 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं आए। तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब फिल्म को रिलीज डेट तो मिल चुकी है, पर क्या लगता है फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आमिर खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था
और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स पे कभी नजर नहीं आए। तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब फिल्म को रिलीज डेट तो मिल चुकी है, पर क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के मैदान पर पहले ही दिन ये बढ़िया गोल कर सकती है या फिर नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रूपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आमिर खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी वो अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स पे कभी नजर नहीं आए। तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब फिल्म को रिलीज डेट तो मिल चुकी है, पर क्या लगता है ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रूपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना
तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना में 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझता था कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं, तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो The beginning of the golden era of Indian football. ये गाना आएगा 18 मार्च को और इस गाने को लेकर मेकर्स ने 10 करोड़ कमा पाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा, पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना में 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझता था कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं, तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की बार बार पोस्टपोन होकर थक चुकी मूवी मैदान फाइनली मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसका टीजर भी देखा गया जो काफी इम्प्रेसिव था। इतना ही नहीं बल्कि टीजर को मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर भी कहा गया, जिसने पहले 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज हासिल किए और ओवरऑल 50 मिलियन व्यूज पाकर ये सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि पहली पोजीशन पर मूवी आदिपुरुष का हिंदी टीजर है जिसने 60 प्लस मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। पर कोई बात नहीं, इतना पोस्टपोन होने के बाद अचानक से ईद पर रिलीज होने का फैसला लेने वाली ये मूवी ऑडियंस की नजर में तो आ चुकी है। तो ये मूवी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है। वैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते हैं कि ये मूवी फुटबॉल के जरिए उतना इम्पैक्ट डाल सके जितना आमिर खान की मूवी लगान ने क्रिकेट के जरिए डाला था। अब लगान भी कुछ हल्के में नहीं बनी थी, क्रिकेट है मतलब ग्राउंड चाहिए, तो उस तरह से चीज़ों के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो है ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक फील, जो ऑडियंस को फील हो तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही सब मैदान के लिए करते वक्त बोनी कपूर की तो नींदें ही उड़ गई, मतलब शाहिद कपूर की फिल्म का वो गाना है ना, उड़ गए तोते तेरे,
तेरे तो उड़ गए तोते, वैसा ही कुछ हुआ। अब प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर के साथ और जी स्टूडियोज भी जुड़ चुका है, जिनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 और 60 करोड़ के बजट में बनाया गया। पर इस बार मैदान के लिए बजट कम ना हो ऐसा इन लोगों को लगा, क्योंकि गदर 2 के बाद इन्हें एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए। तो पैसा बहाते हुए इस मूवी के लिए इन्हें रियल मैदान चाहिए थी, कोई सेट नहीं, जिसके लिए 6 महीने के लिए एक मैदान दिया गया। पर फिर पेंडेमिक आया और शूटिंग नहीं हो पाई और फिर भी प्रोड्यूसर को उसकी फीस देनी पड़ी। फिर साइक्लोन की सिचुएशन आई, ऐसे में भी बिना मतलब के रेंट देना पड़ा और शूटिंग के दौरान ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए 500 क्रू मेंबर्स रहते थे, फिर उनका खर्चा, तो शूटिंग ना होते हुए भी रेंट भरते रहना, इसकी वजह से बोनी कपूर जी की नींद हराम हो चुकी थी। अब क्या करें, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं मैदान कैसी होगी। बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस्ड पर मैदान बड़ी ठोकरें खाकर अब जाकर रिलीज होने वाली है और इसकी प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जाह्नवी कपूर की करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना, उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी। पर जाह्नवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जाह्नवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है। वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया। और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर। पर फिल्म को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है। शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं। वैसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब कोविड ने सबकी जेब खाली करवाई ना तब OTT अपनी जेब भी भर रहा था। हाँ, पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं। एक ऐसे एरा को रिक्रिएट करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पर डाउट है क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फिल्म अदर लेवल की हो सकती है। और फिल्म का लेवल नॉर्मल नहीं है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है। दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स के चाहने वाले भी ना फिल्म से जुड़ जाते हैं। और क्या पता कोई पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर इसका प्रमोशन कर दे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है। इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है। साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कम्पोज किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कंपोज किए हैं वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स हैं और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं, ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में सिर्फ थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ, पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है। तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर मैदान में बाजी मारेगी या फिर नहीं इस पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर बनी है, जो कि ईद पर आएगी और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां वो भी इसी दिन आएगी। पर हम मैदान को लेकर अब चिंता हो रही है, हम इंटरनेट पर जितनी खबरें सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कहीं भी मैदान का जिक्र नजर नहीं आ रहा है, मतलब उसकी बात उतनी नहीं हो रही है जबकि इसकी शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। पर बड़े मियां छोटे मियां की जोरदार चर्चा है, अब इससे पहले भी अजय और अक्षय ने 9 बार मुकाबले किए हैं, उसमें से अगर हम आखिरी मुकाबला देखें जैसे कि अक्षय की राम सेतु वर्सेस अजय की थन बॉय, तो राम सेतु कलेक्शन के मामले में जीत गई 60 करोड़ के साथ और अजय की फिल्म ने कलेक्शन किया था बस 30 करोड़। अब इन दोनों का ही कलेक्शन बेकार है और दोनों का उतना हाइप भी नहीं था, थोड़ी बहुत बातें हुई थी किसी गाने की वजह से, किसी न्यूज की वजह से, पर आज के एक्शन गाना स्टार कास्ट को लेकर जो हाइप बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पर अब जब अजय की गोलमाल 3 वर्सेस अक्षय की एक्शन रिप्ले आई थी तो क्लियर कट गोलमाल 3 जीत गई थी 100 करोड़ के साथ और उसका हाइप भी था क्योंकि फिल्म की कंटेंट कास्ट को लेकर एक्साइटमेंट थी और ये फिल्म के सक्सेस पे बहुत मैटर करता है।
अब बड़े मियां वर्सेस मैदान के केस में बड़े मियां का 1000 करोड़ लेवल का हाइप है, वही मैदान को लेकर कुछ प्रेडिक्ट करना ना आसान नहीं है, क्योंकि सामने से लेकर्स भी फैंस के दिलों दिमाग पर छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बड़े मियां में रियल एक्शन है तो अजय ने इस बायोपिक और रियल कैरेक्टर के लिए क्या क्या रियल किया है उसे लेकर मेकर्स को मतपूर्ण चर्चा करनी चाहिए थी। अगर मैदान वालों को ऑडियंस का ध्यान खींचना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा। फिर चाहे वो पोस्टर्स हो, कोई प्रमोशनल कंटेंट हो या फिर अजय की अपकमिंग फिल्म शैतान के साथ मैदान का ट्रेलर लाना हो, तब ना मजा आएगा, लोग जुड़ पाएंगे उस चीज से, क्योंकि ऑडियंस को एक ही दिन डबल ट्रीट मिलेगी और डेफिनेटली मैदान चर्चा में तो आएगी। फिर अब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर के क्या प्लान्स है वो तो भाई भगवान जाने, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें भी किसी ने अंदाजा लगाया है कि बस बोनी कपूर ही प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि अजय बाकी शूटिंग्स में बहुत बिजी है, तो ऐसे में मैदान का क्या होगा। होप्सो की अजय प्रमोशन पे नजर आए, क्योंकि फैंस उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और उनके बिना फिल्म की चर्चा नहीं हो पाएगी चाहे बोनी कपूर कितना भी ट्राई कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्या वो भी कोई स्ट्रैटेजी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिग बन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस्ड पर मैदान बड़ी ठोकरे खाकर अब जाके रिलीज होने वाली है और इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जानवी कपूर के करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी। पर जानवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जानवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है। वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर। पर तुमको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है, शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं। वैसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब कोविड ने सबकी जेब खाली करवाई ना तब OTT अपनी जेब ही भर रहा था। हाँ पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं। ये नहीं है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है, दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स का लेवल बढ़ने लगता है। इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है, साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कम्पोज किए है जो की बहुत ही अच्छी बात है और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कम्पोज किए है वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स है और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं, ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है, तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में से थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है, तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिल्म की मैदान इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। लंबे समय से चलती आ रही इस फिल्म को 10 अप्रैल को रिलीज कर प्रोड्यूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत कैमरा वेंडर्स की तरफ से करवाई गई है। उनका आरोप है कि बोनी ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला आइए समझते हैं। बोनी कपूर के खिलाफ ये शिकायत निनाद न्यामपली नाम के शख्स ने की है। वो कैमरा वेंडर है जो कैमरे और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, उन्होंने मैदान की बातों को घुमाया जा रहा है। जो भी बिल है वो उसे क्लियर कर देंगे, अब बोनी डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। खैर मैदान 2024 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मैदान के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा है जिन्होंने बधाई हो बनाई है। अजय देवगन भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रियमणि और गजराज राव भी दिखेंगे। आपको फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान का दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है और उस गाने का टाइटल है टीम इंडिया है हम, जो बेसिकली एक एंथम सॉन्ग है जो इंडियन एथलीट्स को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने 1952 से 62 के दौर में फुटबॉल के उस गोल्डन एरा के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की थी। और 2 मिनट 48 सेकंड के इस गाने में हमें फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर निभाने वाले अजय देवगन और उनकी फुटबॉल टीम नजर आती है।
तो गाने की शुरुआत में हम एक बड़ा सा स्टेडियम गूंजता हुआ देखते हैं और फिर हमें सुनाई देती है दो लाइनें, जान ले लो हमारी फिर देखेंगे कल से, डर को जाके बोल दो डर भी डरता हमसे। और ये हमें सुनाई देता है इंडियन फुटबॉल टीम के एक प्लेयर के मुंह से जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। और फिर फ्रेम बाय फ्रेम हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ये लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपनी फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। जहां बीच बीच में हमें इनकी धूप और बारिश में चल रही ट्रेनिंग की झलक दिखती है और अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ फुटबॉल मैच भी दिखाई जाती है, जहां कभी सामने वाली टीम ने येलो कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं तो कभी रेड कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, और इंडियन टीम को स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ दिखाया गया है, जहां ये बंदे सामने वाली टीम को चकमा देकर हरा देते हैं और इन सबको मैदान में मोटिवेट करने के लिए होते हैं इनके फुटबॉल कोच यानी कि हमारे अजय देवगन। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी फिल्म में सैयद अब्दुल रहीम जो फुटबॉल टीम बनाते हैं उसमें कोई ट्रेंड खिलाड़ी नहीं होते हैं, उसमें तो झोपड़पट्टी से बिलोंग करने वाला एक लड़का भी होता है। और इसीलिए हमें गाने के बीच में एक कमेंट्री सुनने को मिलती है कि भारत की टीम को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि टीम के 7-8 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार खेल रहे हैं। तो ये सब किसका नतीजा है? ये नतीजा है उनके हार्ड वर्क और उन्हें मोटिवेट करने वाले उनके बैकबोन का यानी उनके फुटबॉल कोच का। और इस गाने के एंड में अजय अपनी टीम से कहते हैं, सोच एक समझ एक दिल एक दिमाग एक, आज मैदान में उतरना 11 पर दिखना एक, यानी तुम 11 प्लेयर्स जरूर हो पर मैदान में तुम्हारी यूनिटी दिखनी चाहिए। वैसे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि डायलॉग बोलते हुए अजय के खड़े रहने का अंदाज काफी अलग है, वो थोड़े बेंट होकर खड़े हैं, सीधा चौड़ा करके खड़े नहीं है, क्योंकि रियल फुटबॉल कोच रहीम भी ऐसे ही खड़े रहते थे। वैसे इस गाने को आवाज दी है AR रहमान और नकुल अभयंकर ने, और गाने को म्यूजिक दिया है AR रहमान ने ही, जिन्होंने 4 अटेम्प्ट्स के बाद ये गाना तैयार किया है जिसकी शुरुआत उन्होंने कोविड के दौरान ही कर दी थी। वेल, तो मैदान का ये मोटिवेशनल सॉन्ग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान बड़े मियां छोटे मियां के साथ क्लैश करने जा रही है। अब ये तो ठीक है, पर बड़े मियां के कंपैरिजन में मैदान की ओपनिंग को लेकर कम प्रेडिक्शन है। जैसे बड़े मियां के लिए 30 से 35 करोड़ का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है तो मैदान के लिए 17 से 18 करोड़ का। इसका मतलब कि अजय की अच्छी ओपनिंग देने वाली टॉप 5 फिल्मों में मैदान तीसरी पोजीशन पर हो सकती है। जैसे इससे पहले सिंघम रिटर्न्स ने 32.09 करोड़ की ओपनिंग दी थी, गोलमाल अगेन 30.14 करोड़ रुपीस, टोटल धमाल 16.50 करोड़ रुपीस, दृश्यम 215.38 करोड़ रुपीस और तानाजी द अनसंग वॉरियर 15.10 करोड़ रुपीस। पर द अजय देवगन की फिल्म के लिए ये ओपनिंग थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, उनकी इस साल रिलीज हुई शैतान ने 14 करोड़ की ओपनिंग दी थी, पर ये एक स्मॉल बजट फिल्म थी, पर मैदान तो 300 करोड़ में बनी है, ऐसे में आंकड़े तो यहाँ पर बड़े होने ही चाहिए। हाँ, क्लैश की वजह से ये हो सकता है, पर धीरे धीरे कमाल भी तो हो सकता है। पर अगर मैदान से पहले कुछ स्पोर्ट्स फिल्में देखें तो उसमें अक्षय की गोल्ड ने 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, आमिर खान की दंगल ने 29 करोड़ की, सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने 20 करोड़ की, हालांकि रणवीर सिंह की 83 ने 12 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अब ऐसी फिल्मों में आप ऑडियंस को किस तरह से इमोशनली इंगेज रखते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक देशभक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इमोशंस हाई होने ही चाहिए, हर सीन देखते हुए ना गूज़बम्प्स आने चाहिए, एक अलग एनर्जी चाहिए, फिल्म इंस्पायर करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बाकी फिल्में ना ये सब कुछ कर चुकी है, पर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए इतना बजट नहीं लगता है। ये सारी फिल्में 100 करोड़ से कम के बजट में बनी है, पर मैदान के लिए 300 करोड़ रुपए बहाए है जी स्टूडियोज ने, क्योंकि वो किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे, इसलिए टेंशन थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है बजट वसूल करने की। पर अगर मैदान हमें इमोशनली कनेक्ट और इंगेज रख पाए तो वो अच्छी खासी ओपनिंग दे सकती है। पर ये कम प्रोडक्शन इसलिए भी हो रही है क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, मतलब चलते एक्शन ट्रेंड के लिए ये बेंचमार्क सेट करने के मूड में है, तो काफी ट्रेंडिंग है और ऑडियंस को एक्शन फिल्में अभी फिलहाल तो पसंद आ रही है, उसमें भी टेक्नोलॉजी एंगल है। हाँ, बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पर फिर भी ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए, फैंस एक्साइटेड है क्योंकि इससे अक्षय और टाइगर दोनों के फैंस जुड़े हुए हैं। अब मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और मैदान की कहानी यूनिक तो नहीं है, एक कोच का टीम बनाने का स्ट्रगल है, करो या फिर मरो वाली सिचुएशन है और फाइनली देश के लिए कोई मेडल जीतना है, और ऐसा प्लॉट हमने पहले भी देखा है। पर अजय की फिल्म है ये
और टीजर ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी हो और लोग इससे इम्प्रेस हो जाएं। वैसे आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। लीगल पचड़े में फंस सकते हैं बोनी कपूर, अजय देवगन की मैदान की रिलीज पर फिर लगेगा रोक। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ भी शिकायत की गई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। आखिरकार नाना करते हुए भी ना अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान अपने ट्रेलर के बाद अच्छी खासी चर्चा में आ चुकी है, और चर्चा में आनी भी चाहिए क्योंकि अब तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ये होने वाली है। पूरे 300 करोड़ रूपए लगाए गए हैं। वैसे सिर्फ बजट वसूल हो जाए इसलिए इस फिल्म को कमाल करके नहीं दिखाना है, बल्कि काफी लंबे अरसे के बाद फुटबॉल पर कोई फिल्म आ रही है और अपने करियर में पहली बार अजय देवगन को इस पोस्ट ड्रामा प्लस बायोपिक जॉनरा को आजमा रहे हैं। अब जिस तरह से चक दे से शाहरुख खान ने पहली बार इस पोस्ट ड्रामा जॉनरा को आजमाया था, ठीक उसी तरह से अब बॉलीवुड में ना अधिकतर फोकस क्रिकेट बेस्ड फिल्मों पर रहा है। ऐसे में ना बीच में फुटबॉल बेस्ड फिल्में बनी ही नहीं थी, पर इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि फुटबॉल पर आज तक कोई फिल्म बनी ही नहीं है। 1984 में बनी प्रकाश झा की फिल्म हिप हिप हुर्रे ये बॉलीवुड की पहली फुटबॉल फिल्म कहलाई जाती है, और उस फिल्म को ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। उस जमाने में ये काफी पॉपुलर हुई थी। फिल्म में एक स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है ताकि बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। जैसे मैदान में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं, जिनका सपना होता है कि इंडिया की ना एक फुटबॉल टीम बनाकर वो इंडिया का नाम ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करे। पर 1999 में आई द गोल, इसमें अनुपम खेर फुटबॉल कोच बने थे और उसमें थोड़ा सा जातिवाद भी दिखाया गया था, वहां भी टीम प्लेयर्स को लेकर ना प्लॉट दिखाया गया था। अब इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद 2007 में जॉन अब्राहम की धन धना धन गोल आई, पर वो बॉक्स ऑफिस बना बुरी तरह से पिट गई। उसके बाद साल 2009 में फिल्म सिकंदर आई, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर पर बनी फिल्म थी, पर वो भी कुछ खास चल नहीं पाई और वो किसी को शायद याद भी नहीं होगी। उसके बाद साल 2022 में अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड आई थी, जिसमें कि वो स्पोर्ट्स प्रोफेसर होते हैं और गरीब बच्चों की फुटबॉल टीम बनाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों अमिताभ जैसा बड़ा नाम होने के बावजूद बिना ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके लिए फिल्म की लेंथ को लेकर ना एग्जीक्यूशन तक कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल बताई गई थी। तो ऐसी कुछ फिल्में जरूर है, पर झूम छोड़कर क्या बाकी फिल्में हमें पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। इवन जॉन की फिल्म भी किसी को याद होगी, इस पर भी मुझे डाउट है। ऐसे में लंबे अरसे बाद फुटबॉल बेस्ड ना एक फिल्म मैदान आ रही है, और मैदान को बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा, अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा, और ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि फुटबॉल पर बनी फिल्में भी ना अपने कंटेंट स्पोर्ट्स इमोशंस के जरिए ऑडियंस को उतनी ही एंटरटेन कर सकती है जितनी क्रिकेट या फिर हॉकी पर बनी फिल्में। तो यहाँ अजय को बॉक्स ऑफिस मैदान में जमकर किक मारनी पड़ेगी, जिस तरह से शाहरुख खान ने चक दे से मारी थी, आमिर खान ने लगान से मारी और सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म एमएस धोनी से मारी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अजय इसमें कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान के ट्रेलर के बाद सबके अंदर फिल्म देखने का जोश नजर आ रहा है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। 1952 से 1962 की टाइमलाइन की फुटबॉल की गोल्डन एरा और फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम की जिंदगी पर ये फोकस करती है, और इस पर फुटबॉल कोच बने हैं हमारे अजय देवगन। पहले एक वीडियो में हमने आपसे फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर बात की थी। स्क्रीन प्ले पावरफुल होना कितना जरूरी है ये मैंने आपको बताया था, पर एक अच्छे स्क्रीन प्ले में पावरफुल डायलॉग्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा और पैट्रियोटिक फिल्मों में डायलॉग्स की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी को अपने तरीके से आगे लेकर जाते हैं। मैदान के टीजर में हमने डायलॉग सुना था, मैदान पर जा रहे हो इन 11 दिखना एक, ये प्लेयर्स की यूनिटी को प्रेजेंट करने वाला डायलॉग है, और ऐसे डायलॉग्स ऑडियंस ना फिल्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसे डायलॉग सबके अंदर ना देशभक्ति वाली भावना जगाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इस मामले में शाहरुख खान की चंपी इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चंपी इंडिया आज भी हम सबको इसलिए भी याद है क्योंकि इसके डायलॉग्स आज भी बिल्कुल फ्रेश और क्लासिक लगते हैं। शाहरुख खान का वो 70 मिनट वाला मोनोलॉग, आखिर के 70 मिनट है तुम्हारे पास, वो मोनोलॉग ना ऑडियंस को आज भी याद है। ये दिमाग को ना हिट करने वाला डायलॉग था। एक और डायलॉग जैसे मुझे एक लौंडे को दिखाना है कि लौंडिया क्या कर सकती है, ये आपके अंदर ना जोश लाता है, एनर्जी लाता है,
उन्हें ऐसे डायलॉग पर थिएटर में सीटियां और तालियां सुनाई देती ही है। तो फिल्म के डायलॉग्स ऐसे ही होने चाहिए जो फिल्म में प्रियर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ बाहर उस फिल्म को देख रही ऑडियंस को भी ना मोटिवेट करे, उनके अंदर का जोश निकाले। और ऐसे डायलॉग्स मैदान में होने की बहुत जरूरत है। अब मैदान के डायलॉग्स तो लिखे हैं डायलॉग राइटर रितेश शाह ने। रितेश शाह एक बहुत ही पॉपुलर और अवार्ड विनिंग डायलॉग राइटर है जिन्होंने इससे पहले AN Left Force, भागकर, रेड पिंक, कमांडर जैसी कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें से पिंक फिल्म के डायलॉग्स काफी ब्रिलियंट माने जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के मुंह से सुने डायलॉग नो मतलब नो, या फिर अकेले इंडिपेंडेंट लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती है। ऐसे डायलॉग्स पढ़ना आपकी एक सीरीज तो बनती ही है और इससे आप रिलेट भी करते हो। तो इनकी डायलॉग राइटिंग की पावर है, पोटेंशियल है। वैसे इनके साथ सिद्धांत भी जुड़े हैं, जो कि डायलॉग राइटर है जिन्होंने हसीन दिलरुबा जैसी पॉपुलर ODT वेब सीरीज के डायलॉग्स लिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स जॉनर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिल्म भी है, वहाँ पर इस डुओ के डायलॉग्स काफी कमाल के हो और बिल्कुल चक दे इंडिया की तरह धमाल मचा दे। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मैदान से, अभी कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान के ट्रेलर के बाद सबके अंदर फिल्म देखने का जोश नजर आ रहा है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है 1952 से 1962 की टाइमलाइन की फुटबॉल की गोल्डन एरा और फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम की जिंदगी पर ये फोकस करती है। और इस पर फुटबॉल कोच बने हैं हमारे अजय देवगन। पहले एक वीडियो में हमने आपसे फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर बात की थी। स्क्रीन प्ले पावरफुल होना कितना जरूरी है ये मैंने आपको बताया था, पर एक अच्छे स्क्रीन प्ले में पावरफुल डायलॉग्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा और पैट्रियोटिक फिल्मों में डायलॉग्स की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी को अपने तरीके से आगे लेकर जाते हैं। मैदान के टीजर में हमने डायलॉग सुना था, मैदान पर जा रहे वो 11 दिखना एक, ये प्लेयर्स की यूनिटी को प्रेजेंट करने वाला डायलॉग है। और ऐसे डायलॉग्स ऑडियंस ना फिल्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसे डायलॉग सबके अंदर ना देशभक्ति वाली भावना चलाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इस मामले में शाहरुख खान की चलते इंडिया एक बेस्ट एग्जांपल है। अब चलते इंडिया आज भी हम सबको इसलिए भी याद है क्योंकि इसके डायलॉग्स आज भी बिल्कुल फ्रेश और क्लासिक लगते हैं। शाहरुख खान का वो 70 मिनट वाला मोनोलॉग, आखिर के 70 मिनट है तुम्हारे पास, वो मोनोलॉग ना ऑडियंस को आज भी याद है। ये दिमाग को ना हिट करने वाला डायलॉग था। एक और डायलॉग जैसे मुझे एक लौंडे को दिखाना है कि लौंडिया क्या कर सकती है, ये आपके अंदर ना जोश लाता है, एनर्जी लाता है। और ऐसे डायलॉग पर थिएटर में सीटियां और तालियां सुनाई देती ही है। तो फिल्म के डायलॉग्स ऐसे ही होने चाहिए जो फिल्म में प्रियर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ बाहर उस फिल्म को देख रही ऑडियंस को भी ना मोटिवेट करे, उनके अंदर का जोश निकाले। और ऐसे डायलॉग्स मैदान में होने की बहुत जरूरत है। अब मैदान के डायलॉग्स तो लिखे हैं डायलॉग राइटर रितेश शाह ने। रितेश शाह एक बहुत ही पॉपुलर और अवार्ड विनिंग डायलॉग राइटर है जिन्होंने इससे पहले AN Left Force, भागकर, रेड पिंक, कमांडर जैसी कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। इसमें से पिंक फिल्म के डायलॉग्स काफी ब्रिलियंट माने जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के मुंह से सुने डायलॉग नो मतलब नो, या फिर अकेले इंडिपेंडेंट लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज कर देती है। ऐसे डायलॉग्स पढ़ना आपकी एक सीरीज तो बनती ही है और इससे आप रिलेट भी करते हो। तो इनकी डायलॉग राइटिंग की पावर है, पोटेंशियल है। वैसे इनके साथ सिद्धांत भी जुड़े हैं, जो कि डायलॉग राइटर है जिन्होंने हसीन दिलरुबा जैसी पॉपुलर ODT वेब सीरीज के डायलॉग्स लिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स जॉनर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिल्म भी है, वहाँ पर इस डुओ के डायलॉग्स काफी कमाल के हो और बिल्कुल चक दे इंडिया की तरह धमाल मचा दे। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मैदान से, अभी कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी बनाऊं कि चार लोगों को किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। वेल, ऐसी ही फिल्मों में से एक है हाल ही में रिलीज होने वाली अजय देवगन स्टारर मैदान। फिल्म 1952 से 1962 तक यानी फुटबॉल के 10 साल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। आपको बता दें कि अजय देवगन इस फिल्म में साहिद अब्दुल रहीम के किरदार निभाते नजर आएंगे, जिनकी फुटबॉल की दुनिया में अलग ही पहचान है। उन्होंने अपने खेल के हुनर से भारत का नाम भी रोशन किया। खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने इंडियन टीम के
कोच की जिम्मेदारी भी संभाली है। 1951 से लेकर 1963 तक यानी जीवन के अंतिम सांस तक वे भारतीय टीम की सेवा में लगे रहे। वेल, फिल्म की बात करें तो 7 मार्च को फिल्म का ट्रेलर हो रही है ऑन द 10th ऑफ अप्रैल 2024। तो आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और टिल देन कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आखिर क्या कहा अजय ने अपने आप को लेकर, क्यों है अजय इतने वर्कहोलिक, क्या है लेटेस्ट अपडेट मैदान फिल्म को लेकर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। भाई, बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने आज से 32 साल पहले फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों छा गई थी। अपनी पहली ही फिल्म से मिली सफलता ने उन्हें देश भर में जबरदस्त पहचान दिलाई थी। पहली फिल्म के बाद दोस्तों अजय के हाथ में एक से बढ़कर एक फिल्में लगी। जिगर 1992, दिलवाले 1994, दिलजले 1996 और इश्क 1997, प्यार तो होना ही था 1998 और हम दिल दे चुके सनम 1999। दोस्तों ऐसी ही फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इन फिल्मों के बाद अब अजय को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म भोला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया है और लोगों को उनकी फिल्म काफी पसंद भी आई है। बता दें कि दोस्तों अब अजय मैदान फिल्म को लेकर बिल्कुल तैयार है। मैदान में जिस सीन में जो कमी रह गई थी दोस्तों अब वो पूरी हो गई है। आज हम आपको अजय से जुड़ी दोस्तों एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। ई टाइम्स पर प्रकाशित एक खबर के अनुसार अजय देवगन ने हाल ही में उस दौर के बारे में बात की जब वो 90 के दशक में आधा दर्जन से अधिक फिल्में करते समय एक्टिंग छोड़ना चाहते थे। दोस्तों उन्होंने कहा कि वो वर्कहोलिक रहे हैं और परिवार के साथ 2 दिन छुट्टी बिताने के बाद उन्हें तुरंत काम पर लौटने का मन किया करता था। दोस्तों उनका ये भी कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें वास्तव में अपने करियर के चरम पर फिल्मों से प्यार हो गया था। हाल ही में दोस्तों एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जब अजय से पूछा गया कि उन्होंने काम के लिए अपनी भूख को कैसे बनाए रखा है तो उन्होंने कहा कि ये जन्मजात है। बता दें दोस्तों कि मेकर्स ने इस फिल्म को लेकर जो गलती करी थी वो अजय ने ही ठीक करवाई है क्योंकि उन्हें फिल्म के कुछ सीन्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। अब दोस्तों एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक वक्त उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां वो रुकना चाहते थे क्योंकि वो अपने काम का आनंद नहीं ले पा रहे थे। उस समय गिल्ड ने एक नियम लागू किया था कि किसी भी अभिनेता को एक समय में 12 से अधिक फिल्मों में काम नहीं करना होगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कई फिल्में करना बंद कर दिया था और एक साल में केवल 2 से 3 फिल्में ही करने लगे थे वो। उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र चरण था जब वो काम करना बंद करना चाहते थे। अगर अजय ऐसा करते तो दोस्तों तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती और उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना अभिनय जारी रखा और देखते ही देखते दोस्तों लोगों के दिलों पर वो छा गए। अब उनकी अगली फिल्म मैदान कब रिलीज होती है ये तो अब हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाजत, हमारे आज के राइटर हैं निखिल। क्यों हुए थे अजय परेशान, क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग, अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था।
अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं, उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम चार शिफ्ट करते थे, हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी। अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों हुए थे अजय परेशान? क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग? अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं, उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम चार शिफ्ट करते थे, हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी।
अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्यों हुए थे अजय परेशान? क्या अजय अपने शुरुआती दौर में नहीं करना चाहते थे एक्टिंग? अजय को एक बार में कितनी शूटिंग करनी पड़ती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉलीवुड का वो एक्टर जिन्होंने 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में दी हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, और तो और एक्टर को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके 90 के दशक के बॉलीवुड का ये सुपरस्टार कभी अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर जोश आया और उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। आज एक्टिंग के साथ वो फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। बॉलीवुड में जिस एक्टर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए, जिनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है, फैंस जिनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन है। अब दोबारा अजय अपनी एक्टिंग से धूम मचाने आ रहे हैं मैदान फिल्म से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आ सकती है। अजय देवगन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद उनके फैंस दंग हैं। आज खुद को वर्कहोलिक मानने वाले अजय कभी इंडस्ट्री के ज्यादा काम से परेशान हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। अजय ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मेरी जिंदगी का एक मुकाम था। आज हम एक समय में एक ही फिल्म करते हैं। उस समय हम एक समय में 14 से 15 फिल्में करते थे। हम 4 शिफ्ट करते थे। हम सुबह 7 बजे काम पर चले जाते थे, एक सेट पर करीब 12 बजे तक शूट करते थे, और उसी जीन्स में दूसरे सेट पर भी चले जाते थे। हम सिर्फ जैकेट या शर्ट बदलते थे। आपको बता दें कि अजय के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी मैदान को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आ पाती है। अजय से पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कौन कौन से किरदार निभाए थे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, नहीं, कितनी बार तो हम भूल गए, और आप उन फिल्मों को देखें तो हमसे ज्यादातर एक्टर के पास हर फिल्म में एक ही जोड़ी जूते और जीन्स होते थे। कई बार सिर्फ एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां शूट पूरा करो और फिर काम पर निकल जाओ। उस वक्त एक के बाद एक फिल्म करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब रुकना है, क्योंकि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। गिल्ड के नियम को उन्होंने याद किया और बताया कि गिल्ड ने एक नियम लागू किया था, क्योंकि एक्टर बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, इसीलिए फैसला लिया गया कि कोई भी एक्टर एक समय में एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि मैं अब और काम नहीं करना चाहता, और मैंने साल में 2 या 3 फिल्में करनी शुरू कर दी। अब मैदान के बाद वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग सकते हैं, पर अभी तक इस फिल्म का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। बार पोस्टपोन होकर थक चुकी मूवी मैदान फाइनली मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसका टीजर भी देखा गया जो काफी इम्प्रेसिव था। इतना ही नहीं बल्कि टीजर को मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर भी कहा गया, जिसने पहले 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज हासिल किए और ओवरऑल 50 मिलियन व्यूज पाकर ये सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि पहली पोजीशन पर मूवी आदिपुरुष का हिंदी टीजर है जिसने 60 प्लस मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। पर कोई बात नहीं, इतना पोस्टपोन होने के बाद अचानक से ईद पर रिलीज होने का फैसला लेने वाली ये मूवी ऑडियंस की नजर में तो आ चुकी है। तो ये मूवी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है। वैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते हैं कि ये मूवी फुटबॉल के जरिए उतना इम्पैक्ट डाल सके जितना आमिर खान की मूवी लगान ने क्रिकेट के जरिए डाला था। अब लगान भी कुछ हल्के में नहीं बनी थी, क्रिकेट है मतलब ग्राउंड चाहिए, तो उस तरह से चीज़ों के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो है ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक फील, जो ऑडियंस को फील हो, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही सब मैदान के लिए करते वक्त बोनी कपूर की तो नींदें ही उड़ गई। मतलब शाहिद कपूर की फिल्म का वो गाना है ना, उड़ गए तोते तेरे,
तेरे तो उड़ गए तोते, वैसा ही कुछ हुआ। अब प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर के साथ और जी स्टूडियोज भी जुड़ चुका है, जिनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 और 60 करोड़ के बजट में बनाया गया। पर इस बार मैदान के लिए बजट कम ना हो ऐसा इन लोगों को लगा, क्योंकि गदर 2 के बाद इन्हें एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए। तो पैसा बहाते हुए इस मूवी के लिए इन्हें रियल मैदान चाहिए थी, कोई सेट नहीं, जिसके लिए 6 महीने के लिए एक मैदान लिया गया। पर फिर पेंडेमिक आया और शूटिंग नहीं हो पाई।